का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर एक मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवास पर। क्या शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। कमाई के अड्डे का इससे बढ़िया आगाज हो नहीं सकता था। और हम हमेशा कहते हैं चलिए दोपहर होते ही FIIs जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और देखिए खरीदारी शुरू हो जाती है और बिल्कुल आज वैसे ही देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स तीनों हरे निशान में आते हुए। बिल्कुल हेमंत जी, मेरे ख्याल से पिछले 15 मिनट में जो आपने रिकवरी देखी है बहुत ही शानदार निफ्टी में आती हुई दिख रही है। दिन का लो निफ्टी में मेरे ख्याल से था 13,450, वहां से आप देखिए बहुत अच्छी शानदार रिकवरी और अब आप हरे रंग का लुत्फ उठाएंगे अगले 90 मिनट। बिल्कुल, तो वीरो इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता था। पूरा मौका देता है बाजार और सेकंड हाफ में बढ़ता है। पिछले कई दिनों से देख लीजिए टेम्पलेट बिल्कुल यही रही है। सेकंड हाफ में दिन के उच्चतम स्तर पर जाने की कोशिश करता है मार्केट और उसके बाद शाम को बाजार बंद होने के बाद आता है FII का चार डिजिट का आंकड़ा। आज भी बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स भी देखिए करीब करीब 120 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ। जी हाँ, इसे कहते हैं जब जब बाजार नीचे जा रहा है FIIs को ये बाजार और भा रहा है, तभी तो जब नीचे जाता है वहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है। डे हाई की डायरेक्टरी में निफ्टी, बैंक निफ्टी और चलिए कुछ देर में अप्रोच पर बात करेंगे, सेक्टर ऑफ द डे, थीम ऑफ द डे पकड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से क्लोजिंग के आसपास और तमाम मेहमानों से आपकी मुलाकात करता हूं। पहले जी हाँ, CNBC आवाज पर कमाई का अड्डा में जो पैनल मौजूद है उसमें आज फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे मयूरेश जोशी, उनसे हम फंडामेंटली बातचीत करेंगे। उसके बाद टेक्निकल पैनल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, प्रकाश काबा, राजेश पालवे से बातचीत करेंगे टेक्निकल्स और ऑप्शंस और फ्यूचर्स के प्रोस्पेक्टिव से, श्रीकांत चौहान होंगे हमारे साथ, साथ ही साथ चंदन दापड़िया होंगे साथ, रचना वैद्य, आज उनकी गजब की कॉल थी, बजाज फाइनेंस 3 दिन से क्या स्विंग दे रही है डे हाई की डिजिटरी में, और साथ ही साथ मुरुद गोयल हमारे साथ टेक्निकल्स और फ्यूचर्स पर और ऑप्शंस पर बातचीत करेंगे। मीनवाइल निफ्टी डे हाई पर, बैंक निफ्टी डे हाई पर। हेमंत, अगर देखिए हमने डिफेंस की बात भी की थी, खाने पीने की बात भी कर रहे हैं, हर क्लू में खाना पीना छुपा हुआ है। आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पे क्या इस वक्त? बिल्कुल देखिए वीरू, यही बात हुई थी कि एक तो देखिए अगर आपको कुछ नहीं करें तो सही है, मंदी करेंगे तो पैसा लग जाएगा और पिछले कई दिनों से हम यही बात कर रहे थे। अगर आज आपने सुबह खुलते ही देखिए बेच दिया या बाजार गिर रहा था तब बेचा तो इस समय बाजार आपको कहां दिखा रहा है, जिनके हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ। तो एक बात फिर से हम लोग कहेंगे कि ये कंसोलिडेशन होगा भारतीय बाजारों में और हम हाईज को छूने के बाद थोड़ा सा साइडवेज जरूर जाएंगे और इसलिए जाएंगे क्योंकि हमें नई हाईज लगाने हैं। तो लाल निशान में जाते जरूर है लेकिन देखिए या तो बंद हरे निशान में होते हैं या अगले दिन उससे ज्यादा तेजी कर देते हैं। तो अब आपको ही चूज करना है कि आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट साइड का प्ले लेके स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर कराना है या आपको लॉन्ग साइड पर जाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 11 में से 9 सत्रों में बाजार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अब तक का जो दिसंबर का महीना है उसमें देखिए आप 9 दिन तो तेजी हुई है। अब तो आपको क्यों शॉर्ट साइड पर जाना है? शॉर्ट साइड में रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। लॉन्ग साइड में रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। तो अच्छा तरीका यही है, लाल में दिखे तो खुश होइए, दुखी मत होइए, खरीदिए, और हरे में दिखे तो और जोर से खरीदिए। तो अब देखिए हरे में आता हुआ मार्केट आपको इस समय नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको 1:1 का नजर आएगा लेकिन यह भी देखिए सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, कंसोलिडेशन ऑल टाइम हाईस पर होता हुआ दिखेगा और उसके बाद देखिए बाजार वापस से 13,600 को जब पार करेंगे तो 13,750 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ग्रीन लाइन किस तरह से हल्के 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 करके अब इंटरसेक्ट करने की तैयारी कर रही है और थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि ये ऊपर हो जाएगी और लाल लाइन नीचे हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है वीरू, और जिस तरह से सेकेंड हाफ में बाजार बढ़ता है यह बताता है FIIs का पैसा यहां पर जारी रहने वाला है। केडीए साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी अपने गाने में कल कि शॉर्ट किया तो भगवान भी ना बचाएगा। मुझे तो देखिए भाई याद रहता है जिन लोगों को शॉर्ट करना है उनको ये एक बैक ऑफ द माइंड में उस गाने को जरूर कंठस्थ करिए क्योंकि देखिए पैसा तो यहीं बनेगा। आज देखिए इंट्राडे में क्या हुआ है वीरू, डॉलर इंडस्ट्रीज कैश मार्केट का स्टॉक है, जिसने भी शॉर्ट किया ये सोचकर शॉर्ट किया कि ये शेयर गिरेगा बाजार कमजोर है, हुआ क्या बाजार सुधरा
और डॉलर इंडस्ट्रीज देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर, बाकी बचा हुआ 5% भी थोड़ी देर में हासिल करेगा। ये देखिए इस समय डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। आप देखिए कल आशीष ने बताया था ऑनवर्ड किसी ने बेचा और फिर खरीदना पड़ा, और उसके बाद देखिए आज दूसरे दिन वो भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो पैसा बनेगा। बर्गर किंग जिसने ऊपर भी खरीदा हाईस पर भी, कल आज देखिए 60 वाला जो शेयर है 166 पर कारोबार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए पैसा बहुत है बाजार में, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं वीरू क्योंकि देखिए बेक्टर फूड डॉक्टर मिसेस बेक्टर फूड जो है वो दोगुना सब्सक्राइब हो चुका है और अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, अभी दो दिन और बाकी है आज के दिन के बाद। तो ये बता रहा है कि कितना पैसा है साइड लाइन्स पर बैठा हुआ जो कि बाजार में लगने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि लोगों को चाहिए निफ्टी 8000 और 8000 तो आने वाला है नहीं वीरू, तो लोग सोचते हैं कि चलो जहां पर डिप मिलता है वहां खरीद ले। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, रणनीति में कोई बदलाव नहीं है वीरू। जी हाँ, देखिए पैसा बाजार में बतेरा है और रखू पैसा आ रहा है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होने का मतलब नहीं होता। देखिए सुबह की अप्रोच जो थी निफ्टी पे आज, उसका एक क्रिटिकल पॉइंट जब सुबह मैं मेंशन कर रहा था वो था FIIs की तीन फिगर। ये जो पूरा का पूरा आज का सेटअप है ना निफ्टी और निफ्टी बैंक का, वो उन तीन फिगर्स पर आधारित था। कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट कवर और लॉन्ग पुट, यानी वो आज की गैप अप ओपनिंग को चेज नहीं करने वाले थे, आज के वो डिप्स को बाय करते। क्या खबर सुबह की, देखिए पेशेंस धैर्य और उसके बाद डिप, डिप कहां के ऊपर का 420 के ऊपर का 447 आजकल लो है, तो वो डिप को अगर आपने बाय किया हो तो आप इस वक्त प्रॉफिट में हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, अब क्या है आगे क्या, अभी जो हेमंत ने पॉइंट मेंशन किया था, जो सूर्य ने मेंशन किया था वो है 13600। याद रखिए सुबह का आप डिप बाय करके आए हैं 13600 पे इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी 17 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वही है जिसमें से 12 लाख कॉल आज बिकी है। यानी अब अगर आप लॉन्ग हैं तो आपके लिए एक ट्रबल पॉइंट जो होगा या फिर जिसको आपको मॉनिटर करना है वो है 590 और 610। उसी के बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको लॉन्ग रहना है कि नहीं लेना है, क्योंकि 610 के बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो उसको आप ऑप्शंस के थ्रू भी चेज कर सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, दो क्लस्टर्स थे 30500 डिप टुवर्ड्स 30500 डिप टुवर्ड्स 300। इन दो स्ट्राइक्स पे सबसे बड़े पुट राइटर्स खड़े थे, 30300 पे आया वहां से पुल बैक लिया, अगले आधे घंटे में एक घंटे में 3:20 तक 3:30 तक हमें क्या दिखना है 740 यानी 30740 और 840, ये 100 पॉइंट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं। इसके आसपास जाए तो बुक करिए और पोजिशनली लॉन्ग रहिए 30300 के ऊपर और निफ्टी में 13300 के ऊपर। चलिए पहले से बातचीत करते हैं अब प्रकाश गाबा, राजेश पालवी, श्रीकांत चौहान, चिंतन तापड़िया, रचना वैद्य और साथ ही साथ मुदित गोयल। प्रकाश सर, पहले आपका आउटलुक, आपकी अप्रोच इस क्लोजिंग सेशन के लिए, और आपका वो स्टॉक जिसको आप चेस करेंगे। जैसे मैंने शुरू कहा था कि अगर साइडवेज मूव मिलता है तो अच्छी बात है और डिप मिलता है तो और भी अच्छी बात है, बस वैसा ही है क्योंकि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, हमारे जो क्रूशियल लेवल्स है निफ्टी उसके पार ही है। तो इनफैक्ट ये डिप जो है एक कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा, और भी ज्यादा साइडवेज मूव बहुत ही अच्छा रहेगा, ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे लगता है हायर लेवल्स के आगे बढ़ने को देख पाएंगे, चलिए बहुत ही शानदार आपने कॉल दी है गाबा साहब बजाज फाइनेंस पर, लेकिन इस कॉल की शुरुआत आज रचना जी ने सुबह के सत्र में की थी, हमारे साथ आज वो स्टूडियोज में फिर जुड़ी हुई हैं। रचना जी बहुत ही शानदार कॉल थी, क्या जबरदस्त टारगेट्स यहां पर मीट हुए हैं, चाहे वो पहला रेजिस्टेंस हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सब आपको ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। बताइए अब आपकी क्या राय है, 5091 पर आपको ये स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा? गुड आफ्टरनून, और ये कॉल हमने 4885 के लेवल पे दिया था कल लास्ट टर्म में, और हमने बात किया था कि ये दो एक दिन के अंदर 5000 का लेवल दिखाना चाहिए, और उसने वो सारे ही बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया सक्सेसफुली। अब ये क्योंकि ये बहुत टाइम के कंसोलिडेशन से निकला है और ये पहली बार है, तो इसमें डेफिनेटली और दूसरी और कंटिन्यूएशन बार्स की
उम्मीद कर सकता है, ये कोई अंत नहीं है इसका और ये नए हाइस को आगे छूते रहे ऐसी पूरी उम्मीद बना के चलने का कारण बनता है। लेकिन यही है कि अब अगर फ्रेश एंट्री करेंगे तो थोड़ा एसएल बड़ा आएगा या तो फिर आपको मतलब रिस्क ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो अगर अब बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो माइनर डिप के लिए दोबारा से वेट कर लेने में ज्यादा सेफ्टी रहेगी। और अगर अगर आज के मैंने कॉल की बात करूं तो वो दूसरा जो कॉल आज के लिए मैंने बनाया है वो एचडीएफसी में बनाया है और एचडीएफसी भी बहुत शानदार मूव दे रहा है आज। तो उसमें फिलहाल 2352 के करीब फ्यूचर्स है। तो मैंने उसका कॉल जो निकाला है, कॉल ऑप्शंस की बात करी है, स्ट्राइक जो है 2400 वाले स्ट्राइक फिलहाल 38 के करीब चल रहा है उसका प्राइस। तो उसमें 27 का एसएल लगा के आप 57 और 60 के टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं। सही कहा आपने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब एचडीएफसी के लिए फेवरेबल है और ये स्टॉक्स वैसे हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर रख दीजिए, भूल जाइए, सो जाइए, एसआईपी मोड में इनको लगा दीजिए, बाजार ऊपर हो नीचे हो ये आपको पैसा बनाकर देंगे। और ये बात आज पहली बार हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये बात मार्च के लोज से लगातार सीएनबीसी आवाज पर हमने कही है और जो सीएनबीसी आवाज के दर्शक हैं जिन्होंने फॉलो किया आई एम श्योर वो इस पे फायदा कमा रहे हैं। तो अर्ली क्रिसमस देखने को मिला है, आज मैं ट्वीट पे लिख रहा था ये कि बजाज फाइनेंस में जिन लोगों ने भी देखे लोज पे पैसा बनाया डाला वो पैसा बना रहे हैं। अब देखिए बाजार आज आपको क्या दिखा रहा है, मंदी क्यों नहीं करनी चाहिए, एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक ये दोनों ही बेस्ट में बेस्ट है। एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एचडीएफसी बैंक बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, कम से कम मेरे लिहाज से बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व ये दोनों ही देखिए दो और बेस्ट H2B2 इन्हीं का दिन है। तो फिर मंदी क्यों करने की, मंदी नहीं करिए, देखिए फंसेंगे ये हैवीवेट्स बाजार को इतना जोर से ऊपर खींचेंगे कि फिर आप याद करेंगे। तो एक तो शॉर्ट मत करिए और अब एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर नजर रखिए। रचना जी मजा आ गया, बजाज फाइनेंस के ऊपर आपके तीनों जो टारगेट अचीव हुए उसके लिए आपको खूब खूब बधाई, शानदार कॉल था, बढ़िया कॉल, और कल जैसे बाजार में आपने दिया और आज जैसे ढीले बाजार में ये अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आया। तो अब एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। महेश जी भी हमारे साथ है, महेश जी H2B2 आपके भी फेवरेट स्टॉक्स, बताइए कैसा क्या व्यू है आपका इस समय इस भाव पर इन शेयरों पर और क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? राइट फ्रॉम द मार्केट फॉल क्वालिटेटिव फ्रेंचाइजीज है और एक दो क्वार्टर के रिजल्ट से इनको भागना नहीं चाहिए। आई थिंक दे बाउंस बैक वेरी वेरी शार्पली, अपना बिजनेस मॉडल ये अकॉर्डिंगली ट्वीक करते हैं और क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी, आई थिंक दे कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन एज वेल। तो आई थिंक लीडरशिप पोजिशन है, लीडर स्टॉक्स हैं, मार्केट शेयर गेन्स कर लेते हैं, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यू नहीं है, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रह सकते हैं। जहां तक मार्केट का व्यू है मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बना के रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन अभी यही रखना चाहिए। आई थिंक आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जब 1 जनवरी आएगा तो बजट की चर्चाएं चालू होंगी, तो बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड आ सकता है तो उससे कौन से स्टॉक्स प्रभावित हो सकते हैं। तो आई थिंक रूरल पाइपिंग स्टॉक्स ये बहुत पसंद आ रहे हैं मुझे, विद इन पाइपिंग अगर स्टॉक देना भी है तो अभी दे सकता हूं। सर प्लीज बताइए, हम तो वेट कर रहे हैं। बिल्कुल तो विल्सपन कॉर्प मुझे लगता है दिस इज वन स्टॉक दैट कैन बी प्लेड फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव अगले 1-2-3 दिनों के हिसाब से। आई थिंक लॉजिक बहुत सिंपल है, जो इनकी ऑर्डर बुक है 6,100 करोड़ की, यहां पे और भी बढ़ोतरी होने के चांसेस है बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एज वेल। डोमेस्टिकली आई थिंक जो नल से जल योजना है, अमृत योजना है, इसमें इनके ऑर्डर बुक और ऑर्डर साइज विद बेटर मार्जिन ये बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा जो क्रूड का भाव चल रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है कि 50 और $60 के बीच में रहेगा, 60% इनका जो बिजनेस है जो एक्सपोर्ट से आता है ये क्रूड पर निर्भर होता है और प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि H100 जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की कैपेक्स होती है ये स्टार्ट हो गई है विद क्रूड प्राइसेस स्टेबिलाइजिंग। तो ऑर्डर बुक 6,100 करोड़, कैश ऑन हैंड 655 करोड़, जो ऑलमोस्ट 20-21% ऑफ मार्केट कैप है। इनका एक यूएस का कारोबार था हेमंत जी, यूएस प्लेट एंड कॉइल मिल करके, यहां उनकी बिक्री होने के पूरे के पूरे आसार लग रहे हैं अगले कुछ महीनों में, कुछ डिले हुए थे लॉकडाउन के वजह से, बट ऑलमोस्ट 600-800 करोड़ कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैट। इनकी सऊदी की जो जेवी है यहां पे $6 मिलियन का इन्होंने प्रॉफिट किया पिछले तिमाही में,
एंड गोइंग फॉरवर्ड ये लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो डेट उनके बुक्स पे है ऑन द जेबी शुड रिड्यूस एज वेल, और यहां से भी आई थिंक इन्फ्लोज आएगा टू पुट इन मनी टू दैट डक्टाइल आयरन पाइप बिजनेस जो सीवेज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा टू डेवलप दोज कैपेसिटीज। तो मुझे लगता है आई थिंक वेल्सपन कॉर्प एक बहुत चुनिंदा स्टॉक हो सकता है, और दो पंक्तियां ये मार्केट को देख के अगर हो तो शायद इरशाद सर बताइए। तो नेट पर मैं ढूंढ रहा था हेमंत जी और ये दो लाइनें मिली, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। क्या बात है, मतलब ये तो शानदार, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। बात तो हेमंत जी कद आसमान का नापना शुरू करेंगे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक। डायरेक्टर साहब जरा एक कैंडलस्टिक चार्ट दिखाइए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का 2020 की टीम में 7 दिसंबर को ये स्टॉक आपको 111 रुपए पर रेकमेंड किया गया था, अब आपके सामने 154 रुपए फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। और कहानी हेमंत जी ये है, ये देखिए आपके सामने ये जो बहुत शानदार चार्ट आ रहा है यहां पर आपको बेहतरीन तेजी आती हुई दिख रही है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स 10% का सर्किट वाला स्टॉक हो गया बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूं कि जो 2020 टीम्स में आप कभी कभी एक दिन सर्किट लगते हुए देखते हैं और उसके बाद आपको ये स्टॉक नहीं मिलता, तो आप देखिए कितनी जबरदस्त यहां पर आपने तेजी पकड़ी है। यहां पर 111 रुपए पर यह स्टॉक रेकमेंड हुआ था 7 दिसंबर को, और अब आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल 154.35 के आसपास लगता हुआ दिखेगा, 2% बचा है यहां पर। मयूरेश जोशी साहब से राय लेते हैं कि उनको फंडामेंटली टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा लगता है। डिस्कस दिस दो दिन पहले भी जब हेमंत जी ने डिस्कस किया था, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। आई थिंक जो मैं बजट की बात कर रहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था, आई थिंक बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लोज आई थिंक वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। इबिट मार्जिन हैव ऑलमोस्ट कम बैक और दे शुड कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल्स, जो आरओईज को भी सपोर्ट करेगा इन हायर सिंगल डिजिट एज दिस ऑर्डर फ्लो स्टार्ट कमिंग थ्रू। डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं, डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट 1% और FIFX का होल्डिंग भी आई थिंक FPIs का ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है आई थिंक राइट स्पेस में है और एक मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो आई थिंक बिल्कुल मोमेंटम जारी रहेगा स्टॉक। एक खबर ये भी आई थी यहाँ पर कि टीवीएस ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जब ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग की चर्चाएं चल रही थी तब स्टॉक ने एक बड़ा तेजी दिखाई थी, उसके बाद सर्किट फिल्टर इसका 10 कर दिया गया था और 10% का सर्किट फिल्टर देखिए वापस होने के बावजूद ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखा रहा है। एक बात और याद आती है बाप की, ये वो स्टॉक्स हैं जो जनरली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के साथ चलते हुए नजर आते हैं, ये सारी चीजें हैं जो इस शेयर को देखिए ऊपर लेकर जा रही है। और अगर आप सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े हुए तो इस तरह के ढेरों मिड कैप आइडियाज आपको सुबह पहर शाम बिना नागे हर शो में हमारे सारे के सारे देखिए टीम देती है। और मुझे याद है डॉलर इंडस्ट्रीज आपको देखिए आज सुबह सुबह दिया गया था ब्रोकरेजेस का सुपर हाउस सुपर मैन स्टॉक, और ये आपको सुमित ने देखिए एक नया सेगमेंट शुरू किया है अल्टरनेट डे पे वो सेगमेंट करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं तब तक देखिए भाग जाता है। 15-16% की रैली डॉलर इंडस्ट्रीज में इस समय देखने को मिल रही है, क्या शानदार तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। मुझे जी स्वागत है आपका, डॉलर इंडस्ट्रीज फिट है बॉस, आज हम सब लोग इसी एक ही सुर में कह रहे थे। ये बताइए इसका चार्ट कैसा नजर आ रहा है और आपने कौन सा स्टॉक पकड़ा इस समय, ये भी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, फिट है बॉस, बिल्कुल फिट है बॉस। देखिए जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, और अच्छी चीज जो नजर आई है वॉल्यूम देखिए, करीब 15-17 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है, काउंटर में बड़ी तेजी बनेगी। पहला टारगेट यहां से बनेगा 235 का, 235 के बाद ये काउंटर 250 रुपए तक के अपसाइड मूव भी देता हुआ नजर आएगा। जहां तक टारगेट टू मतलब टॉप कन्वेक्शन आइडिया की बात है, LIC हाउसिंग फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लास्ट करीब 2 हफ्ते से काउंटर कंसोलिडेशन में था, आज के सेशन में कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, 12% के OI एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आई है। बिल्कुल अभी की अभी बाय करने की सलाह है, 381 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। हाउसिंग फाइनेंस ये आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब पीछे से मुझे बता रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि डॉलर इंडस्ट्रीज का प्रोमो भी है हमारे पास, तो जब 4.5% ऊपर था तब आपको वो स्टॉक बताया गया था और सुमित ने देखिए तब उस समय बताया था, और उसके बाद ये स्टॉक अब मूव देने के लिए दूसरा 5% का मूव देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो आइए देखिए क्या बात हुई थी, आपके चैनल पर जरूर देखा करिए ब्रोकरेजेस का सुपरमैन जो आपको बताते हैं सुमित, आइए सुनिए। तो मैंने कंपनी चुनी है वो है डॉलर इंडस्ट्रीज, रेवेन्यूज इंटैक्ट है, और सबसे बड़ी बात कि जिस
क्वार्टर में हम खड़े हैं सर्दियों वाले क्वार्टर में, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड की बातचीत कंपनी के वुलन वेयर की साइड से आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए ब्रोकर्स 197 पहला टारगेट और 220 रुपए के आसपास के टारगेट आगे के लिए आ रहे हैं। चार्ट पे भी काउंटर फिट है एकदम, 186 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 205 से 210 के टारगेट। देखिए ये स्टॉक इस समय भी 16% ऊपर है। अगर किसी के पास ट्रेड है क्या सलाह होगी, क्या किया जाए? इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 185 का है, इसका जो टारगेट है उसके हिसाब से लगता है 225 तक जाना चाहिए। स्टॉप लगाना है तो 195 लगाए तो ठीक रहेगा, मेरे ख्याल से बाय अच्छी बनती है डॉलर। स्क्रीन पे ब्रोकरेज का सुपरमैन सुमित ने सुबह आज अगर आप देखें 10 बजे दिया था और अप्रोक्सीमेटली 2370 डे हाई की डायरेक्टरी में, आज के वॉल्यूम्स याद रखिएगा ये इसके जो है सिंस इंसेप्शन अगर आप देखें अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं। मीनवाइल राजेश पालवी जी हमारे साथ हैं। राजेश जी मैं दो ट्रेड से आपका स्वागत करूंगा, एक तो ये जो स्क्वायर ऑफ करना है एक जो ले सकते हैं और दूसरा भी जो ले सकते हैं। एक बार आप HDFC लेके आइए, सुबह हमने इसकी कॉल ली थी 2350 की 42 पे, वो 65 हो गई। अच्छा लेकिन उससे बड़ा एक थॉट है एक और ट्रेड पे, प्लीज एक बार आप लेके आइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस वक्त क्या कर रहा है, नवंबर सेकेंड हाफ और साथ ही साथ दिसंबर की सीरीज का एक नया ब्रेकआउट दे रहा है, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है और इसकी कॉल लेके आइएगा आप 1100 की, जहां पे शॉर्ट कवरिंग अब स्टार्ट हुई है क्योंकि ये अपने इस पूरे क्लस्टर को काट रहा है, ट्रेड कर रही है, प्लीज कॉल लेके आइए इसकी। जी हाँ 4585 पे, एक तो इस ब्रेकआउट को इस ऑप्शंस के थ्रू प्ले करेगा और अगर ये क्लस्टर निकलता है तो पॉसिबल टारगेट क्या होगा, और दूसरी बात है ये HDFC की अगर मैं ये 2350 वाइंड अप कर लूं जहां पे अप्रोक्सीमेटली 50% का स्विंग मिल चुका है, नेक्स्ट स्ट्राइक कौन सी पकड़ूं, क्योंकि सारी आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स में HDFC की शॉर्ट कवरिंग है जो कि एक बड़े मूव का इंडिकेटर होती है। कैसे अप्रोच करेंगे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और HDFC को? राजेश पालवे जी तो बिल्कुल वीरेन जी देखिए पूरे NBFC पैक में ही मोमेंटम देखने को मिला है, जो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली इसमें पूरा NBFC फाइनेंशियल पैक है जो कि एक नीचे से बहुत अच्छा रिकवरी दिया है, बजाज फाइनेंस, HDFC, LIC हाउसिंग और श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो सेटअप है बिल्कुल ये यहां से 1100 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल लेके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अब ये स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी हुई है और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो अब इसका जो रैली है वो यहां से काफी शार्प एक्सपेक्ट की जा सकती है और ये 1120-1140 तक भी ये रैली यहां से आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल पे 1100 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 46 के आसपास अभी ट्रेड करें बिल्कुल लेके ट्रेड करें, 38 के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सा पोजिशनल होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 65 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। इमीजिएट ट्रेडिंग टारगेट जो मुझे लगता है वो आना चाहिए इसके करीब 56 रुपए तक के, तो ट्रेडिंग के हिसाब से 56 और अगर इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 65-70 तक के भी टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है और लोअर साइड से जो रिकवरी देखने को मिली स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद और ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो ये स्टॉक में एक बड़ा मूव यहां से एक्सपायरी के पहले एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो कि 1120-1140 तक जाते हुए दिखना चाहिए। HDFC लिमिटेड में जरूर जिन्होंने 2350 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन ली थी एक बार बुक कर ले और हायर स्ट्राइक पे शिफ्ट हो जाए, 2400 की कॉल जो कि अब 37 के आसपास ट्रेड करी वो ले लें, क्योंकि HDFC लिमिटेड का सेटअप भी काफी पॉजिटिव लग रहा है और इसमें जिस तरीके से आज 5 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है तो HDFC लिमिटेड भी यहां से अब एक कैंडिडेट हो सकता है जो कि अब 2400 की ट्रेजेक्टरी में जाते हुए दिखे, तो 2400 की कॉल ऑप्शन जो कि 37 के आसपास ट्रेड करी ये बाय करें, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट इसमें रखे 50-52 रुपए तक के। ओके चलिए तो ये अप्रोच रहेगी, इस बीच श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की वो कॉल आ गई है 48 रुपए पे, स्विंग अच्छे मिल रहे हैं 48-40। मीन वाइल कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर है और इसका पूरा का पूरा एडवांटेज बैंक निफ्टी में मिलता है, बैंक निफ्टी हाईएस्ट डिक्ट्री में है। कैसे अप्रोच करेंगे प्रकाश सर आप इसको कोटक महिंद्रा बैंक को? अब इसने एक तो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है प्लस एक राउंडिंग बॉटम का एक बहुत बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट दिया है, आपकी अप्रोच कोटक पे? कोटक महिंद्रा बैंक बाय मोड पर तो है, इसका स्टॉक थोड़ा डीप चाहिए 1900 और टाइट स्टॉक चाहिए तो हो सकता है कई लोअर लेवल जो हो सकते हैं अराउंड 1920, अपनी मान है लगता है कि 2000 की तरफ जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम वहां पर एक अपॉइंटमेंट है वहां करना चाहिए 2000 कोटक महिंद्रा बैंक।
कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया स्टॉक आपने बताया, बढ़िया तेजी देखिए देखने को मिल रही है। और आज की खबर भी आपको वापस से याद दिला देता हूं, जो सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज पर हमने बताकर एनालाइज की थी कि देखिए अगर आरबीआई कहता है कि उदय कोटक साहब सीईओ पद पर एमडी पद पर बने रहेंगे तो बहुत बड़ी खबर है ये, और ये वो स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को आज सपोर्ट करेगा। यही बात हुई थी देखिए आपके चैनल पर सुबह सुबह, इस न्यूज का एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही हुआ था, दबाव के साथ खुला जरूर रहा क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल थोड़ा ढीला था और उसके बाद देखिए किस तरह से मूव दिखाना शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे की तो बात कर लेते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे शेयरों की बात की, डॉलर की बात हुई, स्टॉक ऑफ द डे तो साफ तौर पर, स्टॉक ऑफ द वीक साफ तौर पर है बर्गर किंग। बर्गर किंग ने क्या पैसा बनाया लोगों का, जिन्होंने देखिए कन्विक्शन लगाया, कल भी खरीदा इसे खुलने के बाद, उनका भी देखिए पैसा बनता हुआ नजर आया है। 20% का सर्किट फिर से यहां पर देखिए लगता हुआ नजर आ रहा है, दो दिन 20% का लगने के बाद फिर ये 10% का हो जाएगा अगर इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो। लेकिन बाजार का रियल बादशाह दरअसल यही है, और प्राइसिंग अगर सही रखी जाए, टेबल पर अगर कुछ छोड़ा जाए दर्शकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखिए फिर उस शेयर में खरीदारी करने के लिए लाइन लग जाती है, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। और मिसेज बेक्टर की बात भी करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे हम हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट नरेश जोशी जी से, जो हमारे रिसर्च गुरु भी हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए हमारे सारे एक्सपर्ट जितने भी चैनल पर आए जब ये बर्गर किंग का इशू खुला हुआ था, उन्होंने क्या सलाह दी थी, क्या राय दी थी। लगाइए इसमें, जरूर लगाइए, मेरी राय बिल्कुल सिंपल है, तो धमाकेदार तोड़फोड़ लिस्टिंग होगी इसकी, ये 3 डिजिट का शेयर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लिस्टिंग ये ना आपको जरूर मिलेगा, और उसके बाद भी जैसे मैंने कहा नीचे के लेवल्स पे अगर मिलता है तो पोर्टफोलियो में रखना है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, इन सब चीजों के मद्देनजर इसमें बिल्कुल एप्लीकेशन करना चाहिए। 2-3 साल का नजरिया रखें, ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। 2-1 लीजिए लिस्टिंग के बाद और ऊपर की तरफ भागता हुआ बर्गर किंग का स्टॉक अपर सर्किट पर आ चुका है। बसंत महेश्वरी के पीएमएस ने पैसा लगाया, फिर यहां पर कुछ और फंड्स इसको खरीदते हुए दिखाई दिए। आज सुबह सुबह प्रकाश गाबा जी से हम पूछ रहे थे कितना भागेगा, तो गाबा जी ने कहा ये अभी और चलेगा, यहाँ रुकेगा नहीं, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला भी है। गाबा जी आप इसके चार्ट चेक करके बताइएगा अब ये मोमेंटम इस शेयर को कहां तक लेकर जाएगा। तब तक मैं पूछता हूँ मयूरेश जोशी जी से आपकी, बर्गर किंग जिनके पास है वो होल्ड करें ना, आप क्या राय दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को मयूरेश जी? बिल्कुल, जिनके पास है होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्ट्स है हेमंत जी, आई थिंक ये पूरे थीम का क्यूएसआर एज अ स्पेस ये बढ़ने ही वाले हैं। टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में आई थिंक जैसे डिमांड बढ़ेगी, इवन अर्बन एरियाज में आई थिंक जैसे डिमांड बढ़ेगी, आई थिंक जो टॉप लाइन एक लैग इफेक्ट होती है बर्गर किंग के नंबर्स में, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट शोइंग इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड। तो यस, आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए ये स्टॉक में, आई थिंक कंजम्पशन एज अ थीम विल कंटिन्यू टू बी डूइंग वेरी वेरी वेल, तो बर्गर भी खाइए और बर्गर किंग के स्टॉक में बढ़े निकलेंगे। शानदार हेमंत जी आपने एडवाइस दी थी जब ये स्टॉक का आईपीओ खुला था, और देखिए 60 रुपए का शेयर था, लगभग 157 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, और आज लगातार दूसरे दिन आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। 112 रुपए पर एक बहुत जाने माने पीएमएस ने यहां पर 24 लाख शेयर खरीदे हैं, और आप देखिए कि शॉर्ट टर्म देख लीजिए, या उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मेरा व्यू तो लंबी अवधि का है, तो वहां से भी आप देखिए 112 में से अगर 162 कम कर दें तो वहां से भी आपको 50 रुपए पर शेयर का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म पिक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बढ़ता हुआ बहुत सही कहा आपने। तो देखिए बसंत महेश्वरी साहब ने इसको कल खरीदा, लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया, वो नाम जाने माने फंड मैनेजर है सीएनबीसी आवाज पर, हमेशा आकर देखिए एडवाइस करते रहते हैं, और एक और जाने माने फंड मैनेजर हैं जो सीएनबीसी आवाज पर आते हैं और वैल्यू पिकर हैं, उन्होंने भी कल देखिए कहा था कि मंदी नहीं करिए विजय केडिया साहब जी। जी साहब थोड़ा गाना वाना हो जाए, एक छोटी सी नसीहत जिन लोगों ने कल वो मिस किया, सॉन्ग है आपके पास तो बताइएगा कि शॉर्ट किया तो भगवान भी ना बचाएगा, तो सुनवाइए एक बार, क्योंकि जनरली इस तरह के स्टॉक्स में जो तेजी होती है वो इसलिए भी होती है 20% बढ़ने के बाद चलिए इसको शॉर्ट करते हैं जी जी करते हैं इस तरह के काम, तो फिर वो देखिए फंस जाते हैं, और ये होता है, इसलिए हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो देखिए कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और बाजार को भी देखिए अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। ये सुनिए उनकी नसीहत जो उन्होंने कल सीएनबीसी आवाज पर सुबह सवेरे दी थी। अब एक सीक्रेट तुझे अपन भी बताएगा,
सीक्रेट तुझे अपुन भी बताएगा। इंडिया को शॉर्ट किया तो कौन बिना बचाएगा। इंडिया हबीब मेरा, इंडिया नसीब है तू, बड़ा ही अजीज है तू, बड़ा ही अजीब है। आशी का ये गाना, इसका नया रूपांतरण जो है ना, वो आपको याद रखिएगा, बड़ी अच्छी सीख दे रहा है। डोंट गो शॉर्ट अगेंस्ट लिक्विडिटी इन मार्केट्स में स्पेशली, केडिया साहब के ये शब्द याद रहेंगे। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट द हाई ट्रिजेक्टरी पे है और बर्गर किंग 162 करीब 27 रुपए ऊपर आपकी स्क्रीन पे, शानदार मूव 20% का परफ्यूज पे। मीन वाइल कुछ हॉट रेट्स लेते हैं और इस क्रम में मैं आपको एक ट्रेड देता हूं। अभी अभी देखिए, वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कॉल में 10% का स्विंग आया है। 46 की वो कॉल हो चुकी है, 53 का हाई लगा के आई है। 46 की कॉल अभी अभी स्क्रीन पे 10 मिनटों में। अब आइए जरा आप एक बार माइंडट्री पर, माइंडट्री डे हाई पर, और एक बार देखिए जरा पालवे साहब एक क्लासिकल एक शानदार ब्रेकआउट स्क्रीन पे, और इसके ओआई को देखिए, और ये अब दिसंबर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ। मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था कि लास्ट ऑप्शन इसे सिक्योर करके चल रहा है, वो है 1500 की कॉल, जहां पे अब अगर आप देखें मूव आ रहा है। 1540 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 1500 की कॉल में बैंग। प्रीमियम लेके आइए, इसका करीब करीब है 40 स्क्रीन पे, 3985 पर। कैसे अप्रोच करेंगे? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 53 और माइंडट्री 41 पे ट्रेड करता है। बहुत बोलते बोलते आप देखिए 42, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो हमने बताया कि 1120 की तरफ मूव कर रहा है और ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग आया है, और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी कॉल लिए वो उसको ट्रेल करते जाए और इसमें मुझे लगता है बिल्कुल टारगेट अचीव होते हुए दिखेंगे। माइंडट्री भी काफी पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक का। अगर मैं नियर टर्म सेटअप देखूं तो स्टॉक में अगर 30 मिनट चार्ट अगर मैं देखूं तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और ये स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई जो थे इसके करीब 1480 के वो क्रॉस करते हुए दिखेगा, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो स्टॉक में एक बड़ा स्पर्ट आते हुए दिखेगा जो कि इसको 1540 की तरफ लेके जाएगा। तो 1500 की कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, जो कि अभी 41-42 के आसपास आ चुकी है। मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन में जो टारगेट आना चाहिए 55 रुपए से 60 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो माइंडट्री का स्टेबल सेटअप है, वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो हायर हाई फॉर्मेशन है कंटिन्यूस बेसिस पे, और जिस तरीके से अभी इंट्राडे में मोमेंटम आया है यह स्टॉक बिल्कुल मुझे लगता है कि 1500 की तरफ इंट्राडे बेसिस पे भी मूव होता हुआ दिखेगा, और अगर इसको एक से दो दिन का टाइम देंगे तो 1540 तक का टारगेट आता हुआ दिखेगा। ऑप्शन के स्टॉप लॉस जो रखने वो करीब रखे 36 रुपए के आसपास। बहुत सही, तो आपने बताया बहुत बढ़िया शेयर माइंडट्री। मुझे याद है सुबह सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे आईटी शेयरों की, तब भी ये स्टॉक सामने आया था। पालिया जी बहुत ही बढ़िया कॉल आपकी तरफ से, माइंडट्री के स्टॉक के ऊपर नजर जरूर रखिए, ये वो शेयर है। देखिए एक बार दिखाई देखा इंट्राडे चार्ट क्या मूव दे रहे हैं सारी की सारी आईटी कंपनियों में। देखिए एक अच्छा मूव आता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड होता हुआ। मुझे याद है आज ये शेयर कविता जी ने बताया था, यस, और चर्चा हो रही थी एचसीएल टेक की, और उसके बाद माइंडट्री के ऊपर बात हुई। बढ़िया मूव पकड़ा है आपने। आशीष हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं वीरू, और आशीष ने आजकल कुछ नाश्ते में ऐसा खाना शुरू किया है, या तो ये 10% का सर्किट वाला स्टॉक बताते हैं तो सर्किट लग जाता है, या 20% का बताते हैं। तो आशीष के नाश्ते का राज हम अभी जानेंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं स्टॉक में कारण है। बताइए, एस चांद का स्टॉक रखिए और इस तरफ ऑनवर्ड का रखिए। हाँ बताइए वीरू। हेमंत, ये जब गए थे ना अभी ये ट्रिप पर, जब दो हफ्ते की छुट्टी पे, हाँ, तो ये इंदौर में रुके थे और अच्छा। वहां पे साली के हाथ का खाना उन्होंने खूब दिन खाया था। हाँ। क्या बात, ये मतलब इंदौर में आपने अपनी साली के हाथ का खाना खाया, ऐसा ये भगवान जाने, और कब खिलाया क्या खिलाया कुछ नहीं ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन कुछ तो आपने किया है। एक बार दिखाई डॉक्टर साहब, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज कल 20% लगाने के बाद आज फिर से 20% का अपर सर्किट वहां पर लगता हुआ आपको नजर आया।
ऑनवर्ड के लिए तो क्रेडिट आपको जाता है. आपको पता नहीं याद हो नहीं हो, अपन लोग की एक बार ऐसी चर्चा हुई थी कई सारी कंपनीज के बारे में जी. उसमें ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज के बारे में चर्चा हुई थी, तब से जहन में था वो. ओहो, तो मतलब बढ़िया कंपनी थी इसलिए मैंने कहा हाईलाइट करा जाए, इसीलिए शायद इस तरह का यूफोरिया. बहुत ही शानदार 20% की तेजी के बाद देखिए अब ये शेयर फिर से 9% ऊपर कारोबार करता हुआ और इंट्राडे में एक बार 20% का सर्किट यहां पर लगता हुआ नजर आया. और एस चांद मुझे याद है स्टॉक 20 में साफ सुथरा कॉल था आपका, फ्री था ना ये फ्री था आज का, मतलब फ्री शेयर के ऊपर नजर रखनी चाहिए. आशीष ने देखिए फ्रीड की बाहर लगाई है और ऐसा कोई नहीं कह सकता वीरू कि ये शेयर लेने का मौका नहीं मिला साहब, अपर सर्किट पर ही खुला, इसको हम कैसे खरीदते. खुलने के बाद देखिए इसने डिप भी दिया और उसके बाद सर्किट पर जाता हुआ ये शेयर नजर आया. और आज सुबह सुबह मुझे चर्चा बिल्कुल क्लियर याद है आशीष भाई से कि बेचने वाले का नाम तो रिपोर्ट हो रहा है बल्क डील में, लेकिन जो खरीद रहा है वो सयाना है. तो अगर कोई सयाना आदमी खरीद रहा है स्टॉक को उसके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए. और देखिए एस चांद आज 10% का अपर सर्किट पर कारोबार करता हुआ स्टॉक 2020 का शानदार खिलाड़ी पर आज मुकाबला बहुत मजबूत होने वाला है आपका. और मतलब इसके नीचे की कहानी कैसी है ये स्टॉक ये एक बार दिखाइए मुझे सारे के सारे स्टॉक 2020 के स्टॉक्स. उसके बाद फिर आशीष भाई आपको बताएंगे कल कौन से इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए. लेकिन मिड कैप्स में एक्शन बहुत ही शानदार वाला नजर आ रहा है. और ये देखिए स्टॉक 2020 के 10-10 खिलाड़ी पर प्रीमियर एक्सप्लोसिव 10% के अपर सर्किट पर. देखिए क्या प्रदर्शन है आपकी टीम का. एस चांद 10% के अपर सर्किट पर. और ये देखिए ये आखिरी के पावर प्लेस वाले भी शेयर आपके दोनों ही कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. मेरी टीम भी एक बार दिखा दीजिए, उसके बाद तो 3:30 बजे हम दोनों आपको बताएंगे कि कौन कौन से शेयर हैं जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाया. जेन टेक्नोलॉजीज 5 आज आप जीते हैं आशीष, बिल्कुल ऐसा लग रहा है. जीटीएनबी 3 और इंडोटेक 5. बीजीआर में भी देखिए 2% की तेजी देखने को मिल रही है. अंतिम अन्य सीन में से कोई स्टॉक अब 20% चला जाए हार की भरपाई नहीं होगी. नहीं, नहीं कल 1.5% का गैप था. नहीं नहीं कल आज आपकी टीम देखिए कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है. आपने बहुत शिद्दत से टीम बनाई है. बताइए कल के इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके ऊपर नजर आ जाए. सबसे इंपॉर्टेंट मिड पॉइंट पहुंच जाएंगे ट्रेडिंग हफ्ते के वेनसडे. और कल से सिर्फ 15 दिन रहेंगे इस साल 2020 को खत्म होने में. कल विजय दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे. तो भारत की जो मिलिट्री विक्ट्री हुई थी पाकिस्तान के ऊपर 1971 के वॉर में उसको सेलिब्रेट किया जाता है. तो कल विजय दिवस है. फेड की 2 दिनों की बैठक की कल शुरुआत हुई थी. आज देर शाम आउटकम आएगा. देर शाम मतलब हमारी तो रात हो जाती है 11:30 बजे रात में वो आउटकम आना है जिस पर हम कल सुबह रिएक्ट करेंगे. और बहुत लाइकली है कि फेड चेयर फिर से बड़ा कॉशियस टोन मेंटेन करेंगे जो बढ़ते बाजारों के लिए अच्छी बात है. और साथ साथ इंफोसाइज करेंगे ज्यादा और फिस्कल सपोर्ट देने की जरूरत, वो भी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर होगी शायद. आईपीओ आप मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज की बात कर रहे थे, कल J2 है, अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है. बोर्ड मीटिंग्स है जिसमें फ्यूचर एंटरप्राइजेस Q2 के नंबर्स आने हैं इसके. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसकी इक्विटी फंड रेजिंग पर बैठक होनी है. सेबी की बोर्ड मीट कल स्केड्यूल्ड है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन होना है, जिनमें प्राइमरली T+1 सेटलमेंट और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अहम मामलों पर विचार विमर्श होगा. अच्छा कुछ हद तक स्ट्रीट में नर्वसनेस थी कोविड लॉकडाउन रिलेटेड. अब ध्यान रखें कल से लंदन और पार्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस पे जा रहे हैं. वहां पे उसके Tier 3 का जाता है. तो क्रिसमस के समय लास्ट डिच अटेम्प्ट है इंफेक्शन स्प्रेड को रोकने का. जर्मनी में लॉकडाउन, कल से इटली में लॉकडाउन. तो अपनी ज्योग्राफिकल इश्यूज है उनके लॉकडाउन को लेकर. सुप्रीम कोर्ट में कल दिल्ली वालों के इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, एक प्लीज सुनवाई होने वाली है कि दिल्ली बॉर्डर्स पे जो फार्मर्स इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वहां से शिफ्ट करा जाए, बॉर्डर्स को खोला जाए और जो प्रोटेस्टर्स के लिए साइट दी गई है वहां पे उनको भेजा जाए. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशीष जी. ये जो प्रोटेस्ट है इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं ना सिर्फ दिल्ली में, आपको पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में आती हुई दिखेंगी. दो मेन आर्टरीज हैं दिल्ली की जो आपको जुड़ती हुई दिखती हैं, पंजाब से और दूसरी तरफ यूपी से. वहां पर सब तरफ ब्लॉकेज है, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बढ़ रही है, सामान का जो समय है ट्रैवल का वो भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है. तो ये बिल्कुल ही गलत है और इसको हटाना चाहिए. बहुत सही कहा आपने बाप, तो इसको हटाना चाहिए. और ऑनवर्ड की जर्नी फिर से शुरू हो चुकी है. जैसे ही आशीष भाई आपने फिर से बताया कि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, वैसे ही स्टॉक ने देखिए एक मूव दिखाना शुरू किया. मैं देख रहा था जब से आपके स्टूडियो में जैसे ही चरण पादुकाएं पड़ती हैं वैसे ही आपके जो स्टॉक है वो उनमें कुछ हो जाता है पता नहीं. देखिए अब ये मूव दिखाना शुरू कर रहा है. 12-13% ऊपर, 13.5% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है. पूछते हैं यहां पर पालिया जी से. पालिया जी ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज ये 20% वाला कैंडिडेट है वैसे मेरे लिहाज से,
आपके चार्ट सेटअप के लिहाज से बताइए, लग रहा है क्या ये चला जाएगा वहां तक? यस यस बिल्कुल अमन जी, जिस तरीके से मोमेंटम स्टॉक में पकड़ा है वापस से, मुझे लगता है बिल्कुल ये 20% की तरफ आज भी जाता हुआ दिखेगा। और स्टॉक में जिस तरीके से वीकली और मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुए वो ये दर्शाते हैं कि स्टॉक की बहुत जल्द 3 डिजिट के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है इसके जो टारगेट आना चाहिए अब तो वो आता हुआ दिखना चाहिए करीब 110 से 115 की तरफ। तो बिल्कुल जिनकी भी पोजीशन है होल्ड रखे और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। अब मुझे मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस अब 90 पे ले आना चाहिए। इमीडिएट टारगेट जो लगते हैं इसके वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के 105 से 110 तक के लगते हैं। 17 अगर आप इसको देखेंगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी 20 तक जाने में, क्योंकि क्या है लोग 20% चलने के बाद शेयर को शॉर्ट करते हैं। मैंने भी थोड़ा हिंट भी दिया था लोगों को क्या होता है ये, 20% चल गया बर्गर किंग 150% चल गया शॉर्ट कर दें। आज बर्गर किंग में भी देखिए यही हुआ है, तो ऑनवर्ड में भी यही होगा, 20% के बाद देखिए लोग यहां पर शॉर्ट हुए पक्का हुए, क्योंकि एक बार तो देखिए वहां पर कटा और अब देखिए दूसरी बार ये जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई और कारण नहीं है आशीष ने इस समय देखिए नहीं सजेस्ट किया है, ये खुद कुल्हाड़ी पे कूदने वाले जो लोग होते हैं वो दरअसल बाजार में देखिए काम करते हैं और उसके बाद फिर जो लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स होते हैं उनको पैसा बनाकर देते हैं। तो लॉन्ग साइड के ट्रेडर्स अगर थोड़ा और खरीदेंगे इसे तो बंदी करने वाले ही आपको पैसा देकर जाएंगे अपनी जेब से निकाल कर हाथ में, तो यही हो रहा है आजकल आप देखिए बाजार। तो हेमंत जी 9885 का यहां पर आपको सर्किट लगता हुआ दिखेगा, जो कल की वॉल्यूम थी उससे ज्यादा आज की वॉल्यूम है, तो आप सोचिए कि जो बेचारे कर रहा रहे होंगे इस वक्त तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मेरे सामने लगभग 20 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज के, और कल जब ये स्टॉक मार्क हुआ था मेरे ख्याल से 12:30 बजे, कुल मिला के उस दिन की वॉल्यूम थी 13,40,000 शेयर। तो आप समझिए कि जो आपको एक्सप्लोजन वैल्यू में और इंटेलिजेंस में आशीष जी देते हैं अपने स्टॉक पिक्स में, उसका असली लुत्फ अगले दिन उठाया जाए। बहुत सही कह रहे हैं। तो 20% कल भी लगा और देखिए आज भी 20% की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर में भी सेम हुआ है, असल में दरअसल हुआ ये है कि सब लोगों ने सुबह खरीदा लेकिन कुछ स्मार्ट लोगों ने बेचा, अच्छा वो गिरा नहीं तो अब क्या करें, सेकंड हाफ में बाजार रिकवर कर गया तो सेकंड हाफ में देखिए डॉलर इंडस्ट्रीज भी आपको भागता हुआ नजर आया। ये 20% वाले दोनों ही कैंडिडेट हैं लगते हुए आपको नजर आएंगे। डॉलर इंडस्ट्रीज भी देखिए आपको भाग रहा है और बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस समय। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज में भी 17% के आसपास की तेजी दोनों में देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर। तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक लेना है सुबह जब ये सुझाएं, उसके बाद वेट करना है शाम तक का 3:30 बजे तक का, और पूरा फायदा कमाना है छोड़ना नहीं है। यही देखिए इस समय देखने को मिल रहा है 16.5-17% ऊपर। अब देखिए ऑनवर्ड इस तरफ रखिए, डॉलर इस तरफ रखिए, दोनों में देखिए बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है इस समय। 17 हो चुका है ऑनवर्ड और 3% की दूरी देखिए ऑनवर्ड में देखने को मिल रही है। ये देखिए बढ़ता हुआ रॉकेट की स्पीड से ये शेयर। वापस आऊंगा इस पर थोड़ी देर में, लेकिन यतिन जुड़ चुके हैं और यतिन आपको बताएंगे डीलिंग रूम में कहां पर सबसे ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। मिड कैप का टेम्पो क्या गजब का है इस समय, देखिए सेंसेक्स 50 फ्लैट है लेकिन मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर। यतिन बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो शुगर स्टॉक्स पर जबरदस्त एक्शन है मार्केट में। आज ग्रेपवाइन ये है कि सरकार की जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत जल्द आ सकती है, और इसका पूरा का पूरा शुगर पैक जो है आज बजिंग है, और इसीलिए डीलिंग रूम जो है अपने क्लाइंट्स को बलरामपुर चीनी में खरीदारी की राय दे रहे हैं। और अगर आप बलरामपुर चीनी की अगर आप प्राइस रेंज देखें तो बहुत समय से 130 से लेके 160-170 तक के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करता है और रेंज से बाहर निकलता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से भी 10 से 15% तक की अपसाइड हो सकती है, और इसीलिए वो एक बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं बलरामपुर चीनी पे। तो अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो शुगर में काफी अच्छा एक्शन और बलरामपुर चीनी टॉप पिक पूरे पैक का। बहुत ही बढ़िया, तो बलरामपुर चीनी पूरे चीनी स्पेस में आपने बिल्कुल सही कहा, तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है 3% ऊपर इस समय बलरामपुर चीनी कारोबार करता हुआ। और एफएनओ में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है? तो देखिए दो स्टॉक्स जो एफएनओ में आज के दिन चर्चा पे हैं, सबसे पहले है कॉनकॉर जो वापस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज मूव कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट का इसका डेटा देख लें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% यानी कि 5 लाख शेयर्स का एडिशन हुआ है, और बड़े दिनों बाद आज पीएसयू स्टॉक्स में खास करके जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स है पीएसयू के वहां हमको काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, खास करके कॉनकॉर में जहां डीलिंग रूम्स बीटीएसटी की रणनीति भी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। कॉनकॉर और ऑलमोस्ट
कुछ डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। इसके अलावा टेक महिंद्रा और आईटी शेयर्स गजब के भागे हैं आज, अच्छा मोमेंटम था, फर्स्ट हाफ में भी काफी अच्छी तेजी बरकरार थी आईटी स्टॉक्स में, और यहां भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि 950 से लेकर 965 तक के लेवल्स हमको बहुत जल्द टेक महिंद्रा पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है दो कैश के काउंटर्स पर और एक पूरा का पूरा आपको सेक्टर हेमंत जी चहकता हुआ लिखेगा। यतिन जी आपके आने से पहले हेमंत और मैं डिस्कस कर रहे थे कि पूरा का पूरा आप देखिए शुगर स्पेस जो है वो आपको गहरे हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, आपने उस दिन डालमिया शुगर पर बात करी थी, आपको शानदार तेजी दिख रही है हेमंत जी, वो प्राइस भी आप देखिए अब क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। उत्तम शुगर में आपको तेजी दिख रही है, अवध शुगर में आपको बहुत शानदार मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, द्वारिकेश और बलरामपुर। मेरे ख्याल से हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं। चंदन जी आपका कोई पसंदीदा काउंटर होगा यहाँ पर शुगर स्पेस में जहां पर आप कुछ राय देंगे? देखिए शुगर में जो मिठास है वो एक शानदार मिठास देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट सारे काउंटर में मोमेंटम है। यहाँ पे आप टेक्निकल सेटअप की बात करें तो द्वारकेश में पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट लगभग 16 वीक के बाद हुआ है जहां पे इसने 33.5 के लेवल को निकाला है और वीकली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन बना है, राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है, तो सारे तथ्यों के हिसाब से काउंटर में अपटिक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 32 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में लगभग 37-39 तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा दूसरे शुगर कंपनीज में भी देखें आप आज पॉजिटिव मोमेंटम है, त्रिवेणी वीकली और डेली चार्ट काफी अच्छा है, एक स्मॉल कैंडल बना है और हल्का सा फॉलो हुआ तो यहाँ पे 10-15% की रैली बनेगी, तो त्रिवेणी में भी आप देखोगे 76 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 87 तक के लेवल बनेंगे। तो द्वारकेश और त्रिवेणी दो काउंटर है जहां पे वीकली डेली दोनों चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और बलरामपुर में भी यहाँ पे लगभग 192 तक के लेवल बन रहे हैं, तो आप देखिए गौर करेंगे तो सारे शुगर से काउंटर में ब्रेकआउट बन रहे हैं और यहाँ पे एक दो शुगर काउंटर ट्रेडिंग पे रखना चाहिए, आपको 8-10% की रैली आने वाले एक दो दिन में बन जाएगी। सही आपने कहा, तो शुगर शेयरों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अच्छा कन्वेंशन वाली थीम तो वैसे भी देखिए गरम है, मिसेस बेक्टर का जो इशू है क्या हाथों हाथ लिया गया है, बताइए इस समय का ताजा अपडेट क्या है, आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? हाँ तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की माने तो अगर आप बर्गर नहीं खरीद पाए यानी कि बर्गर किंग का शेयर नहीं खरीद पाए तो आप बंद खरीद लीजिए, सही है, क्योंकि ये वो कंपनी है जो अपना 6% रेवेन्यू जो है इंस्टीट्यूशनल बेकिंग से इसको हासिल होता है, जहां ये मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के लिए बंस बेक करते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए। इसके अलावा जो बल्क बिजनेस है वो बिस्किट का बिजनेस है, जो आपने इसके पहले लोगो देखा क्रेमिका का, वो ब्रांड के अंदर ये बिस्किट बेचते हैं। लगभग 288 रुपए के आसपास एंकर इन्वेस्टर्स ने लगभग 162 करोड़ रुपए लगाए, जो कि इश्यू साइज के 30% है, 30% हिस्सा जो है एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट हो गया है। सुबह में मैं बता रहा था कि जो पेडिग्री इन्वेस्टर्स की काफी लॉन्ग टर्म वाली है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि HDFC लाइफ, बजाज आलियांस, आदित्य बिरला इंश्योरेंस, इन्हीं सभियों ने पैसे लगाए हैं। इसके अलावा अगर आप FIS की बात करें तो गोल्डमन सैक्स और नोमुरा, ये वो दो फंड्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। और अगर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो SBI म्यूचुअल फंड और फ्रैंकली इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्होंने एंकर बुक में पैसे लगाए। वैल्यूएशन के तौर पे कंपनी ठीक ठाक वैल्यूड है अपने पीयर्स के वर्सेस, क्योंकि बिस्किट कंपनी अगर आप इसका डायरेक्ट पीयर देखें तो शायद ब्रिटानिया बैठेगा और उसके आधे वैल्यूएशन पे IPO आ रहा है, तो आप अच्छी लिस्टिंग गेन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेक्टर फूड। तो बहुत लिस्टिंग गेन होंगे इसमें। और ओरियो किसको नहीं पसंद है? बिल्कुल सब बच्चों को पसंद है। बर्बन किसको नहीं पसंद? ये तो मेरे ख्याल में मयूरेश जी के देखिए घर में भी प्यारे से क्यूट सी बेटिया है, मेरे ख्याल में उन्होंने चैनल चेक तो जरूर किया होगा। आपका चैनल चेक क्या बताता है सर, बताइए? ये ओरियो ज्यादा अच्छा लगता है बच्चों को या बर्बन ज्यादा अच्छा लगता है? ओरियो बर्बन है जी, मैं भी खाता हूँ उसके साथ साथ सही है, सबको पसंद, हम सबको पसंद आता है। लेकिन जैसे यतीन जी तर्क लगा रहे थे, आई थिंक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे हैं, आई थिंक दे हैव कम केप्ट समथिंग ऑन द टेबल। जो मार्केट शेयर है इनके क्रेमिका बिस्किट्स को भी लेके नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली, और जो एक्सपोर्ट भी ये करते हैं यहाँ पे, आई थिंक मार्केट शेयर गेन शुड बी मेंटेन। जिनको बर्गर नहीं लगा, आई थिंक जो बंद सप्लाई करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, आई थिंक जो एक मार्केट शेयर है इनका ये भी मेंटेन होगा। एंड कैश फ्लोज रिमेन स्ट्रॉन्ग, तो ग्रोस मार्जिन का स्ट्रॉन्ग, इबिटा मार्जिन 40-41% के आसपास है, तगड़े एंकर इन्वेस्टर्स इनके साथ आए हैं, तो बिल्कुल आई थिंक एक मिस्ड आउट फीलिंग जो है बर्गर किंग के IPO को देख के, गैप अप ओपनिंग को देख के, मिसेस बेक्टर्स के लिए आई थिंक बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, आई थिंक लिस्टिंग गेन तो जरूर मिलने चाहिए इसमें। प्रसन्न होते हैं ओरियो का बिस्किट खा के, लेकिन जो तृप्ति आपको ओरियो शेक पी के मिलती है,
वो देखते ही बनती है मेरे ख्याल से। नीरज जी तो भ्रमण पे निकले हुए हैं, आप और मैं कहीं जाके एक ओरियो शेक का लुत्फ उठाएंगे। बिल्कुल, और जो लोग नहीं उठा पा रहे वो आईपीओ में जरूर अप्लाई। जरूर, सही बात है। तो ये बढ़िया बताया आपने ओरियो शेक। ओरियो मतलब बच्चों को आप बता दीजिए, ओरियो है तो रोना धोना बंद हो जाता है। चलो ठीक है भाई, ओरियो मिलेगा ना तो सब काम हो जाएगा। अच्छा, कई तरीके के उसमें हेमंत जी खेल भी होते हैं, आप बिस्किट को तोड़िए बीच में से, फिर एक तरफ से। जी हाँ, तो कई चीजें होती है वो कभी आपको याद। अरे हेमंत जी, ये सब मैंने बहुत किया है। चलिए श्रीकांत जी को जोड़ते हैं। श्रीकांत जी, आई एम श्योर क्रेव कर रहे होंगे कि वो टेक महिंद्रा पर कॉल दे। श्रीकांत जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि जब जब यतिन भाई बताते हैं टेक महिंद्रा, तब तब आपकी तरफ से देखा गया है टेक महिंद्रा पर एक शानदार कॉल आता है। आपको भी पसंद है, आपका फेवरेट शेयर रहा है, बताइए आईटी में आपको क्या अच्छा लगता है? यतिन की जो एक पारखी नजर है वो हमेशा अच्छे स्टॉक्स को पकड़ ही लेती है। वो अब बलरामपुर चीनी भी देखिए, वो भी हमारे एक हिट लिस्ट में है और मुझे लगता है ये भी स्टॉक कुछ 250 रुपए के करीब जा सकते हैं, क्योंकि अकेला स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज के काफी नजदीक है शुगर में, तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन यस, टेक महिंद्रा जैसे आपने मुझे पूछा, यहाँ भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 रुपए के लिए तो बिल्कुल जा रहा है। और जो बाजार में आज सबसे बड़ी बात जो देखी गई वो ये है कि मार्केट में एक स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन हो रहा है और उसके बाद स्टॉक में वापस एक्टिविटी आनी शुरुआत हो जाती है। तो जैसे देखने 950 के करीब था, 900 के करीब अभी आया है करेक्ट होकर और वापस एक अपवर्ड रैली बनी है। तो एक फाइनल टारगेट इसमें यही बना हुआ है 1000-1020 का। और हेमंत जी, यहाँ पे हम बाय करेंगे इसको और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 885 का स्टॉप लॉस रिवाइज करके अभी हम 910 पे आएंगे और टारगेट्स रखेंगे 1000 से लेकर 1020 के। ओके, 1000 से करीब 1020 तक की टारगेट, स्टॉप लॉसेस रिवाइज करके टेक महिंद्रा पर 19 का लेके आएंगे। ऑप्शंस में काफी अच्छे स्विंग मिल रहे हैं, हैवेल्स का स्विंग अब डे हाई पर लेके आ गया है उसको। और एक और स्टॉक देखिए जिसमें ऑप्शंस को चेस करेंगे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी है। प्लीज जरा देखिएगा राजेश पालवे जी, जरा एक बार लेके आइए आप चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस का एक दिन का मूव था 27 नवंबर का, जिस दिन इसने हाई लगाया लगभग आप समझ लीजिए कि 383 का, अभी 370 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट, 10 डेमा को सरेंडर नहीं किया, 10 डेमा से पुल बैक लेके हाइएस्ट ट्रेजेक्टरी में आ गया। इसका ऑप्शन लेके आइए आप एक सेकेंड। इसके फ्यूचर्स में आज बहुत बड़ी बाइंग है, याद रखिएगा, छोटी मोटी नहीं। 9-10% ओपन इंटरेस्ट, 5 लाख शेयर जुड़े हैं और इसकी 390 की कॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। 87,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं और 5,000 कॉल शॉर्ट कवर हो गई है इसकी 400 की, और 410 की कॉल में करीब 42,000 शेयर जुड़े हैं। प्लीज ऑप्शन लेके आइए, ट्रेड कर रहा 12.95 पे। पालवे साहब, कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को? अगर ये 400 भी हो गया तो मेरा पैसा शायद डबल हो जाए इस ऑप्शन में। आपकी अप्रोच क्या रहेगी, स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए एनबीएफसी सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है, उसमें चोला फाइनेंस ये तो काफी स्टेबल स्टॉक है। जिस तरीके से स्टॉक ने आज लोअर साइड से रिकवरी दी है, 362 का लो लगाया था और अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, और बिल्कुल जिस तरीके से इसमें आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 380 की कॉल में हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है और ये उस वॉल को हिट करते हुए अब यहां से बिल्कुल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 380 के बाद तो इसमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी इसमें आता हुआ दिखेगा। तो जो 390 की कॉल ऑप्शन है, करीब 12.5 अब 13 रुपए के आसपास ट्रेड करी, बिल्कुल बाय करना चाहिए। और मुझे लगता है 380 के बाद इसमें जो शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा वो इसको इमीडिएट 395-400 की ट्रेजेक्ट्री में लेके जाएगा। तो इस कॉल ऑप्शन पे टारगेट जो हमें लगता है वो आना चाहिए करीब 19 रुपए से 21 रुपए तक के। करंट लेवल से इस कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब रखे 9 रुपए के आसपास। तो 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 390 की कॉल ऑप्शन बाय करें और 18-21 रुपए तक के टारगेट हमें लगता है बिल्कुल इसमें 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेंगे। और वीरेन जी, अगर आप वो देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था वो 1100 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो उसमें जो कॉल के टारगेट हमने सजेस्ट किए थे वो तो अच्छी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिनके पास अभी भी पोजिशन है, ट्रेल करते जाए, सेटअप के हिसाब से श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो टारगेट आ रहा है वो करीब आता है 1120-1140 के आसपास, तो वो कॉल ऑप्शन में भी आप ये टारगेट के ऊपर आप ट्रेड करते हुए दिख रही है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के दिसंबर फ्यूचर्स पर। हेमंत जी, यहाँ पर भी शानदार मूवमेंट है, लेकिन एक रैली जो आपको बनती हुई दिख रही है बहुत ही ढंग से, वो है मेटल स्पेस में। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे और दिन में दो काउंटर्स जो उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं वो है जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर। आपकी राय चंदन जी इन दोनों काउंटर्स पर, आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा होगा?
सही। दूसरे पहले आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की भी बात की, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो काउंटर में देखिए 4-5 दिन का कंसोलिडेशन के बाद वापस आज अपटिक देखने को मिला है। प्रीवियस डे के यहाँ पे स्विंग हाई निकल रहे हैं, तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और इमीडिएट ट्रेंड का कंसोलिडेशन अब कंप्लीट हो रहा है। आज ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी ओपन इंटरेस्ट घटा है और प्राइस बढ़ा है, यानी 4-5 दिन का जो शॉर्ट्स बने वो कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको इस वजह से बनना चाहिए, लगभग 357 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 380 तक के टारगेट बनेंगे। और जिंदाल स्टील है, उन दोनों के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट स्विंग हाई ऑलरेडी सरपास हो चुका है, वीकली चार्ट पे यहाँ पे लगातार हाई राइज हार्ड लोस बन रहे हैं, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है बट जिंदाल स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मौजूदा लेवल से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 268 का सपोर्ट है, ऊपर में 279-281 तक के टारगेट जिंदाल स्टील में भी बन सकते हैं। और यहाँ पे लॉन्ग की पोजिशन बनी है, जैसा कि ओपन इंटरेस्ट 5-6% से आज बढ़ के कामकाज कर रहे अकाउंट। चलिए तो मेटल्स में आप देखिए जो शैल जी ने पकड़ा अभी, मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील जेएसपीएल दोनों ही स्टॉक्स डे हाई की ट्रैक्टरी में। कुछ देर में आपको मैं इसकी ओपन इंटरेस्ट के समरी को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टाटा स्टील भी अब डे हाई की ट्रैक्टरी में आके खड़ा हो गया। याद रखिएगा जब भी हम मेटल्स का जिक्र कर रहे थे अभी दो रोज पहले, कल सुबह मेरे ख्याल से सुमित ने जो सीएलएक्स की रिपोर्ट का जिक्र किया था उसमें टाटा स्टील को प्रेफर्ड पिक बताया गया था। टाटा स्टील के स्टेट्स को डिस्कस करते हैं एक बार और कुछ देर में फिर चलेंगे वसीन साहब के पास। टाटा स्टील फ्यूचर्स में आज ओआई ऐड हुआ है अप्रोक्सीमेटली 9,12,000, इट्स ह्यूज। अब 634 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है यहां पे? ऑप्शन डेटा याद रखिएगा बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि अब इसकी जो कॉल राइटर्स थे, याद रखिए टाटा स्टील में 640 की स्ट्राइक पर सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हुए हैं और वो बैकफुट पे हैं। रचना जी आप बहुत बारीकी से ट्रैक करती हैं टाटा स्टील को, आपकी अप्रोच और ये अब 4 दिसंबर से लेकर आज तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर रहा है, आपकी अप्रोच टाटा स्टील पे? ये टाटा स्टील जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट आई है, नो डाउट उसमें, लेकिन अब वो 638 से लेकर 640 के बीच में वो माइल्ड रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अगर पहले वाली पोजीशन है किसी की अलग बात है, लेकिन अगर फ्रेश पोजीशन इस लेवल पे बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही क्लोज में हर्डल खड़ा है, तो दैट वुड नॉट बी अ वेरी ग्रेट आइडिया। तो इसलिए इसमें अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो या तो 638 से 40 के बीच का जो हर्डल है उसको वो क्रॉस करके उसके ऊपर निकले तब बाइंग करी जा सकती है ऑन द सेफर साइड, या तो फिर माइनर डिप पे करें। अभी 37 पे है उसका फ्यूचर, 637 पे समझ लीजिए आपको 630-32-33 के आसपास अगर मिलता है तो जरूरी नहीं है कि आज और अभी मिल जाए, लास्ट आवर में भी कल मिले वट एवर, तो उस टाइम पे करें या तो ऑन डिप या तो अबाउट 640, क्योंकि वरना नियर टर्म में थोड़ा इमीडिएटली इन द मनी आने का चांस कम नजर आ रहा है। ओके इस बीच डायरेक्टर साहब, एक तो वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की कॉल रखेगा स्क्रीन पे, वो अब ऑलमोस्ट ऐसी स्पार्क हुई है कि पूछिए मत, वो 1100 की कॉल अब ट्रेड कर रही है 59 पे, गजब सिंह जो है इस ऑप्शन में 48 पे हमने पकड़ी थी, अब ये 59-60 हो गई है। और अभी टाटा स्टील के बाद मैं एक स्टॉक और लूंगा मेटल स्पेस से ही, और वो है एक बार जिंदल स्टील लेके आइए, इसके ब्रेकआउट को भी थोड़ा सा रीड करते हैं और ऑप्शंस के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के थ्रू प्ले करने की कोशिश करेंगे। मेटल्स याद रखिएगा इस वक्त अपनी तरफ काफी बड़ा ओआई, बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई खींच रहा है, एक बार प्लीज जिंदल स्टील पर याद रखिएगा। मैं ऑप्शन तो रीड नहीं कर पाया लेकिन फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग है, आपके अप्रोच राजेश पालवे जी, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में स्टॉक मेटल्स में आप जिंदल स्टील को कहां प्लेस करेंगे? 272-6। तो वीरेन जी काफी स्ट्रॉन्ग इसमें मोमेंटम बना हुआ, जिस तरीके से स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही, तो ये स्टॉक तो लगता है कि बिल्कुल यहाँ से 290-295 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक में अगर हम देखें वीकली सेटअप के हिसाब से तो ये 6th-7th वीक है जहां पे ये कंटिन्यूस हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, और वीकली सेटअप भी ये दर्शाता है कि स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। तो करंट लेवल से बिल्कुल जिन्होंने अभी लिया हुआ है ऑलरेडी या जिनकी पोजिशन है वो भी होल्ड कर सकते हैं, और करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। 267 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट जो लगते हैं इमीडिएट वो आएंगे 280-285 तक के, और अगर इसको थोड़ा पोजिशनल रखेंगे तो 295 तक भी ये स्टॉक मूव होता हुआ दिखेगा, तो काफी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है जिंदल स्टील एंड पावर का। चलिए
चलिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्टेबल है एंड बाय का कैंडिडेट है इस वक्त मेटल्स में ये। चलिए अब बात करते हैं वसीम साहब से, हमारे साथ वसीम जी के भरोसे में दिखा सेगमेंट 3 बजे शुरू होता है, जुड़े हैं इस वक्त वसीम साहब। वसीम साहब गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सर आपकी अप्रोच मार्केट्स पे इस वक्त क्या है, और हम लोअर ट्रेजेक्टरी में सेटल होने को तैयार नहीं है और 1600 इस ट्रेजेक्टरी को बार बार रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी अप्रोच और आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे सर? हाँ गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, तो देखिए मार्केट दोनों तरफ से चौपीनेस दे रहा है एंड दैट्स एक्सपेक्टेड एट न्यू हाइज, बट द लेफ्ट आउट फीलिंग इज सो लार्ज के कोई भी डिक्लाइन, कोई भी नेगेटिव न्यूज को आप डाइजेस्ट करके यू आर जस्ट वांटिंग टू बाय। साइन ऑफ फ्रॉथीनेस इज अक्रॉस द बोर्ड, यू हैव टू बी केयरफुल एंड प्रोटेक्ट प्रॉफिट्स। मार्केट्स आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज ऑन बोथ साइड्स, हेंस द हमारे जो ट्रेड्स हैं ज्यादातर एक बाय एक सेल ऐसा करके हैं। मैं अभी भी सोचता हूँ मार्केट हैज एक्चुअली पीक टू मोस्ट लेवल्स, और यहाँ से जो फ्रॉथीनेस है इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज ग्लोबली आई थिंक द यूएस मार्केट इज टेलिंग अस दैट दे हैव डिस्काउंटेड बोथ द स्टिमुलस एंड द वैक्सीन, सो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस बिकॉज डॉलर पुल बैक में इमर्जिंग मार्केट्स कैन गेट हिट इन द नेक्स्ट फोर्टनाइट। आई एम एक्सट्रीमली कॉशियस ऑन द मार्केट, नॉट ग्रीडी, रादर देन दैट फियरफुल। अब आपके लिए कल के अपडेट है सर, कल मैंने आपको पेट्रोनेट कहा था 269.5 बिक गया, 266 का भाव है, 280 का टारगेट है, और जो सेल किया था वो टाटा मोटर था 178.50 179, वो 173 बिक गया सुबह, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया तो बुक कर लिया, नहीं तो कर लिए सकते हैं, आपको एक बहुत परफेक्ट हेज दिया था। अब मेरे में दो बाय एक सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। सही है मसीन साहब, तो बाय में होगा सर जो मेरे को लगता है पीएसयू का स्टॉक है जो काफी रीरेट हो गया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा गुंजाइश है रीरेटिंग की, और वो है गेल, 8.5-9% डिविडेंड यील्ड है इवन एट दिस प्राइसेस एंड द बिजनेस इज लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो गेल लीजिए 25.25 में, 22.5 का स्टॉप लॉस रखिए, इसका भाव तो 150 जा सकता है लेकिन ट्रेडर 32.5-35 के बीच में प्रॉफिट बुक कर सकता है, दिस इज गिवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट। दूसरा बाय होगा मेरा मनपसंद गोदरेज कंज्यूमर, आई थिंक कंजम्पशन विल बी द बेस्ट बास्केट टू प्ले, 721-22 का भाव है, 712 का स्टॉप लॉस रखिए, 745 का टारगेट, और बेचने में कल मैंने टाटा मोटर आपको दिया था, आज मैं बोल रहा हूं फिर कमर्शियल व्हीकल में वीकनेस है, अशोक लीलैंड बेचिए, 95-96 बेचिए, 98 रुपए का स्टॉप लॉस है, 88.50 का टारगेट। ये मैम ये वो स्टॉक्स हैं जो भसीन साहब को इस समय बढ़िया लगते हैं, और एक बाय एक सेल का कैंडिडेट गेल में तेजी, अशोक लेलैंड 100 रुपए का मुझे याद है, भाव की बात एक बार भसीन साहब ने की थी, आता हुआ नजर आएगा, और देखिए लगभग वहां पर पहुंचा है ये स्टॉक, और अब यहां पर एक मंदी का कॉल निकल कर आ रहा है। बढ़िया स्टॉक का आइडिया आपने दिया है और हेजिंग वाली स्ट्रेटजी भी अच्छी है, लेकिन मार्केट देखिए आज के इंट्राडे हाई को छूने की कोशिश कर रहा है और अभी आधा घंटा बचा है, ये बता रहा है कि बाजार में इस समय तेजी हो रही है, अच्छी खासी तेजी हो रही है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, और अब दिन का जो हाई था 13,590 का, देखिए उसको निकालने की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर एक बार दिखा दीजिए सबको ऑल टाइम हाई वाला फिगर क्या है ताकि याद रहे सबको, बाद में तो कल हम या तो आज ही हो सकता है या सेकंड या सुबह सुबह खुलते ही हम ऑल टाइम हाई भी भारतीय बाजारों पर लगते हुए निफ्टी पर कम से कम देखेंगे। 13,600 के आसपास था जहां तक मुझे याद आता है, देखिए 13,597, यानी यहां से 70-80-90 20 अंक और बढ़ेंगे तो ऑल टाइम हाई हो जाएगा। तो बाजार में देखिए लो से बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है और सेकेंड हाफ की रिकवरी काम की है, कम से कम 2.5-3,000 करोड़ रुपए का फिगर के लिए सबको तैयारी कर लेनी चाहिए कि FIIs की तरफ से आज आते हुए नजर आएंगे। ये बता रहा है कि आज मंदी वाले फिर फेल हुए, मंदी वाले ने मंदी करी लेकिन बाजार देखिए ऊपर चला गया, और ये रोज हो रहा है, सेकंड हाफ में रोज होता है और आज भी देखिए होगा, आज नहीं तो कल सुबह एक नया हाई लगता हुआ नजर आएगा, और हमारे सारे एक्सपर्ट एक ही सुर में कह रहे हैं 13,600 निकालेगा, 13,750 पहुंच जाएगा, और ये देखिए ये बुल्स और बेयर्स का इंटरसेक्शन इस समय देखते ही बनता है, अब हरी लकीर ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सही समय अपने एक्सपर्ट से लिया जाए बीटीएसटी आइडियाज। शुरुआत की जाए रचना जी आपसे, बताइए बजाज फाइनेंस में खूब पैसे बने, एचडीएफसी में आपने तेजी की राय दी, कल के लिए कौन सा स्टॉक लेके जाएंगी? कल के लिए जो स्टॉक मैं बताऊं उसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बताइए मैम। और कल 2 PM को हमने बात करा था कि निफ्टी जो है 3-4 दिन का प्राइस एक्शन कंबाइन करके स्टडी करे तो वो साइडवेज हो रहा है, बिल्कुल सही। आज सुबह जो डिप आया
बाउंड्री ऑफ दैट रेंज, तो वहां से नेचुरली बहुत पावरफुल मूव आया है और अब हम जहां पर है वो अपर बाउंड्री ऑफ द रेंज है। तो ये चीज नजर में रखनी चाहिए कि यहां से क्या हम सीधा ब्रेकआउट करेंगे, करेंगे तो 650 के करीब रेजिस्टेंस भी फेस करेंगे, 13650 के करीब। तो माइनर डिप की दोबारा से अगर मौका मिल जाए और 13,550-540 के आसपास अगर डिप मिले आज और कल के किसी भी आर में, ट्रेडिंग आर में, तो दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ मेरा जो ट्रेड है वो JSW स्टील के ऊपर है, उसमें हम फ्यूचर्स की अगर बात करें तो ऐसा लगाएंगे 358 के करीब और टारगेट बनाएंगे 369, 372 एंड 375। और अगर कॉल्स चाहिए, कॉल के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं हम, तो 370 की कॉल को अगर हम बाय करेंगे तो उसमें 8.5 रुपए पे ऐसे लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 13 रुपए 15 रुपए 20 रुपए। 15 रुपए 20 रुपए ये कॉल ऑप्शन के जरिए इसको ट्रेड करें, आपको ज्यादा अच्छा फायदा होता हुआ नजर आएगा। और शैलजी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेटल्स में बहुत गर्मी देखने को मिल रही है, ध्यान रखिए। अब होगा ये कि कल सब चर्चा करना शुरू कर देंगे कि फेड की बैठक है जब, और फेड की बैठक में आपको भी पता है कि फेड जिस तरह से लिक्विडिटी झोंकने की बात कर रहा है, कमेंट्स तो बहुत ही पॉजिटिव आने वाले हैं, मेटल में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और डाउ फ्यूचर्स आपको बता दूं इस समय कहां कारोबार कर रहा है, 10:30 बजे के आसपास डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट हो गए थे और इस समय 170 पॉइंट ऊपर। अमेरिका के बाजारों में तेजी होगी और अच्छी खासी तेजी होगी और आज तो वो लोग और भी खुश हो रहे होंगे क्योंकि जो बाइडेन साहब अब देखिए बिल्कुल जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो गद्दी पर अब बैठ जाएंगे और ये अनिश्चितता भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में रैली होगी तो देखिए भारतीय बाजारों को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। पालिया साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं मेटल्स पे एक अगर आपकी इजाजत है एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए साहब अगर आप मेरे स्क्रीन को कनेक्ट कर दें तो यहां पर आपको एक शानदार ब्रेकआउट जिंदल स्टील में आता हुआ दिखेगा और ये आपको बात आती हुई दिख रही है रचना जी की तरफ से भी। देखिए ये एक लंबी अवधि का डेली चार्ट है और इसको अगर आप परिवर्तित कर दें मेटल महीने के उस पर तो आप देखिए यहां पर आपको 2014 या 2015 का एक हाई टूटता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और मेटल स्पेस में क्योंकि आप बहुत जबरदस्त तेजी देख रहे हैं तो इस पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक है। कल पूरे हफ्ते आप ध्यान दीजिए पूरे के पूरे मेटल्स पैक पर। हेमंत जी बहुत सही आपने कहा, तो मेटल शेयरों पर नजर रखिएगा नजर। अच्छा इससे पहले मुझे भी एक स्टॉक मार्क करना था, मैं 2-3 बार भूल चुका हूँ, सोच रहा हूँ अभी से बता दूं। आज सुमित हमारे साथ सुबह जुड़े थे, वो कहते हैं स्पाइस जेट पर जो टारगेट है वो HSBC ने बढ़ा दिया और साथ में उन्होंने ये भी रिपोर्ट में लिखा है कि इंटरग्लोब एविएशन में आप तेजी नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज तेजी वाले मार्केट में इंटरग्लोब एविएशन दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है और स्पाइसजेट देखिए बाहरी निशान में डटा हुआ है, टिका हुआ है। तो देखिए समझदार लोग महंगे में से निकलकर सस्ते में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, यही बात देखिए हम लोगों ने भी CNBC आवाज पर कही थी, वही सेम चीजें देखिए आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में आपको आती हुई नजर आ रही है, इंटरग्लोब फिसलता हुआ और स्पाइसजेट मजबूती के साथ भागता हुआ। चलिए पालिया साहब बताइए आपका BTST ट्रेड प्लीज। तो हेमंत जी मेरा जो BTST ट्रेड है वो भारत अक्षर से ही स्टार्ट होगा, हम लास्ट वीक से भारत की चर्चा करें तो भारत फोर्ज यहाँ पे मेरा पहला BTST होगा ट्रेड। स्टॉक का काफी स्टेबल सेटअप है और थ्रू आउट द डे आज काफी अच्छी बाइंग है भारत फोर्ज में देखने को मिली है और जिस तरीके से इसका चार्ट सेटअप है हमें लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल BTST करके जाना चाहिए। फ्यूचर के रेट की बात करें तो 550 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है तो इसमें स्टॉप लॉस कर ले 546 के आसपास और इसमें जो टारगेट लगते हैं हमें वो आना चाहिए कल तक 565-570 तक के। तो भारत फोर्ज पहला स्टॉक रहेगा BTST कैटेगरी में और दूसरा रहेगा अडानी इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी हुई है तो ये स्टॉक में भी हमें लगता है कि कल के सेशन में इसमें ओपनिंग में काफी अच्छा एक मूव देखने को मिलना चाहिए। तो 461 के आसपास अडानी इंटरप्राइज ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 456 का, टारगेट जो कल तक आते हुए दिखना चाहिए वो आना चाहिए करीब 472 तक के। ओके दो कॉल्स याद रखिएगा, अदानी इंटरप्राइजेस भी करीब 472 का टारगेट आपको याद होगा, कल क्लोजिंग में हम डिस्कस कर रहे थे इस स्टॉक को, इट्स अ बाय थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन और कैरी भी किया, ये डीलिंग रूम में यतिन ने भी बताया था और अब डीआई की ट्रेजेक्टरी में और ये आज भी अगर आप देखें पालवी साहब की कॉल में है। अच्छा आप चलते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया जिसको आप अपनी कन्विक्शन के आधार पर कल के लिए कैरी करना चाहेंगे BTST ट्रेड।
वीरेंद्र, देखिए वैसे काफी सारे स्टॉक आज अच्छे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में आ रहे हैं और मैंने देखा है कि काफी सारे स्टॉक्स में अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद के रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मेशन मुझे लगता है कि इस मार्केट को 13,600 के लेवल्स को क्रॉस करके 13,750 के जो लेवल्स एक्सपेक्टेड है शायद उसे बिल्कुल लेके आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि मेटल स्टॉक्स में तेजी है, तो वहां पे जिंदल स्टील एंड पावर में हम तेजी करके जाएंगे, 272-273 के करीब ट्रेड कर रहा है और 283-285 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करें और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 267 का, 267 का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक स्टॉक काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, वो है भारती एयरटेल, और 500 के ऊपर इसने एक वीकली ब्रेकआउट किया था, उसके बाद इसने 500 के लेवल को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ भारती एयरटेल को भी बाय करें और 515 से लेकर 518 के टारगेट के लिए बीटीएसटी के बेसिस पे लेके जा सकते हैं। देखा भारतीय एयरटेल के ऊपर रखिएगा नजर और 13,750 तो सर होना ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, नहीं होगा ये तो नहीं हो सकता, होगा। अब ये कब होगा, एक दिन ले, चार दिन ले, पांच दिन ले, होना तो है, देखिए इस साल हो अगले साल हो, जाना तो है बाजार को यहाँ से ऊपर ही, ये बात तो बिल्कुल क्लियर कट है। और सारे एक्सपर्ट्स ने एक सुर में इस काउंटडाउन का बनाया, डायरेक्ट सर दिखा दीजिए वो काउंटडाउन 13,750 वाला, एक दो बार दिखाया करिए, थोड़ा बुल्स का भरोसा बढ़ेगा और बंदी करने वालों का थोड़ा हौसला और पीछे जाएगा। आज देखिए वैसे ही हौसला बंदी करने वालों का बहुत पस्त है, क्योंकि दिन की आज पर देखिए बाजार खड़ा हुआ है, तो करेक्शन चाहने से करेक्शन नहीं आता, ध्यान रखिए क्या बात, करेक्शन होने के बाद आपको पता चलेगा कि बड़ा करेक्शन आ चुका है। किसी को नहीं, किसी देश में किसी लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि मार्च में बाजार में लोअर सर्किट आएगा, बात ही नहीं हुई थी लोअर सर्किट की, और किसी ने यह भी देखिए प्रिडिक्ट नहीं किया था कि बाजार इतनी तेजी से भाग जाएगा। तो देखिए बाजार बाजार है, भाव को देखते रहिए, जब भाव नीचे जाएगा तब आप गिरावट कर, शॉर्ट वाले ट्रेड्स भी देखिए आपको रचना जी, पालवे जी, श्रीकांत जी, मयूरेश जी, गाबा साहब, मुदे जी सब आपको देंगे और बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रेड्स देंगे, जब तक बढ़ रहा है तब तक आप लॉन्ग साइड के बढ़िया बढ़िया आइडियाज को एंजॉय करते जाइए। मुदे जी बताइए आपका ट्रेड कल के लिए। मैंने जो स्टॉक चुना उसका नाम है वोल्टास, वोल्टास को बाय करने की सलाह देना है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और अच्छी चीज नजर आई है, करीब 24 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है, लास्ट दो हफ्ते में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज के सेशन में बाइंग नजर आई है, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल इस काउंटर में लगते हुए नजर आए हैं, जो रैली देख रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगी, कल के सेशन में मुझे लगता है 845 तक के अपसाइड वोल्टास में देखने को मिले, तो बीटीएससी के तौर पर वोल्टास को बाय करने की सलाह है, 845 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 819 का। चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है वोल्टास फ्यूचर्स पर। हेमंत जी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं ये देख रहा हूँ कि आज जो एफआईएस का आंकड़ा होगा ना वो देखते ही बनेगा, क्योंकि जितने भी आप देखिए उनके पसंदीदा स्टॉक्स है वहां पर आपको बेहतरीन मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब दिखाइए बजाज फाइनेंस 5% ऊपर, 5,153 पर आपका प्राइस है। सेकेंड गेनर आपको निफ्टी में दिखेगा बजाज फिनसर्व 9,342। आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, जितने भी हम लोगों ने स्टॉक्स पर आपको लॉन्ग कॉल्स दिलवाए हैं ये एफआईआई के फेवरेट स्टॉक्स हैं। और आपका जो आज काउंटर पर देखिए पैसा आता हुआ दिखेगा, कल के सत्र में दिखाया 2246, तो आज का आंकड़ा आप बताइए आपकी क्या उम्मीद है? 3000 से ज्यादा का आंकड़ा है, 3000 से 4000 करोड़ के अब बीच का आंकड़ा आता हुआ नजर आएगा, H2B2। और आप एग्जैक्टली सही कहा है, देखिए यही चल रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में भी हम यही कह रहे थे कि हम ये चल रहे हैं तो फिर आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत वाली बात नहीं है। आप इसमें शॉर्ट करेंगे H2B2 को तो देखिए आप गलती करेंगे, और ये क्वालिटी नेम्स है इनमें ही आपकी तेजी देखने को मिली, मेरे हिसाब से 3000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा निकल कर आना चाहिए। लेकिन मयूरेश जी से भी पूछ लेते हैं, मयूरेश जी आज की एफआईआई बाइंग कितनी बड़ी होने वाली है सर बताइए? लगभग आई थिंक 3000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, और आपकी फिगर और शैल जी की फिगर जो लैपटॉप उनको फाइल लागू है आई थिंक आसपास ही रहती। सही बात है, तो इतनी तो सर होनी चाहिए। ट्रेनर सेट पहनकर बताइए सर कल के लिए क्या लेकर जाएंगे आप? बिल्कुल, जो तो मैंने जो थीम ली थी ना हेमंत जी आज दोपहर से, आई थिंक जो पिछले कई दिनों से ले रहा हूं, पाइप कंपनीज को लेकर वेल्सपन कॉप की मैंने शो की शुरुआत में बात की थी, आई कंटिन्यू विद दैट। जिंदल सॉ मुझे काफी पसंद आ रहा है, दो अहम लॉजिक है, एक जो क्रू का लॉजिक वेल्सपन कॉप के लिए भी काम में आता है, ओवरसीज ऑर्डर, बिकॉज क्रूड स्टेबिलाइज होगा 50 और $60 के बीच में, अच्छे ऑर्डर वापस स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑर्डर बुक वैसे भी तगड़ी है इनकी भी, 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और डिवर्सिफाइड है, एच सॉ जो ऑयल एंड गैस के लिए लगता है, सैनिटेशन
एप्लीकेशन के लिए जो डक्टाइल आयन पाइप्स लगते हैं, सीमलेस पाइप्स लगते हैं, और एक तड़का जो इनके पास है वो है पैलेट्स। और पैलेट के भाव हेमंत जी पिछले एक दो महीने में ऐसे फट चुके हैं जो 7,500-8,000 रुपए प्रति टन पे कोट हो रहे थे वो 11,000-11,500 रुपया प्रति टन पे कोट हो रहे हैं। देयर सोल्ड ऑलमोस्ट 3,72,000 एमटी ऑफ पैलेट्स इन द लास्ट क्वार्टर इटसेल्फ। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आई थिंक स्टॉक को बहुत तुल में रख सकते हैं, और डिविडेंड यील्ड भी 2.25% के आसपास है। तो सिर्फ कल के लिए नहीं, आई थिंक एक मोमेंटम कॉल अगले एक दो दिन के लिए नहीं हो सकता। चलिए तो पाइप राइड कर रहे हैं मयूरेश जी। प्रकाश सर के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन डेटा देता हूं मैं आपको। एचडीएफसी बैंक, अभी जो हेमंत कहते हैं कि अभी ऑल टाइम हाई और हम 13,750 के लिए विक्ट्री जाएंगे, याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक कल के लिए, कल के सेशन में जा रहा है बहुत स्ट्रांग स्ट्रेट्स के साथ। मैं देख रहा हूं कि ऊपर बड़ी स्ट्राइक की ऑप्शन में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो एचडीएफसी बैंक को नजर रखिएगा। एक बार चंदन जी जरा, इनफैक्ट पालिए साहब, एक ट्रेड देखिए प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। मुथूट फाइनेंस डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है और ये अपने पिछले, अगर आप समझ लीजिए कि 27 जुलाई से लेके अब तक के एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, ये इसकी कोई कॉल पकड़े क्या? इसके अगर आप कॉल्स को देखें तो इसकी बहुत रीजनेबल कॉल मेरे को 1260 की लगती है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट आया तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, 200-150 रुपए का ब्रेकआउट होगा। क्या 1260 की कॉल को अप्रोच करें क्या? 28.50 रुपए में, जी हाँ, ये ट्रेड कर रही है 28.50 पे। जी बिल्कुल वीरेन जी, ये स्टॉक में भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, पूरे फाइनेंशियल पैक में ही मोमेंटम बना हुआ है। मुथूट फाइनेंस भी इसमें जिस तरीके से आज बाइंग एक्शन देखने को मिली और स्टॉक अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा कल के सेशन में, मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक की क्लोजिंग अगर 1210 के ऊपर हो जाती है तो एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, और फिर ये स्टॉक में जो टारगेट आएंगे 1280 इवन 1300 तक के टारगेट भी आते हुए दिखना चाहिए। तो एक बेस तो इसमें ऑलरेडी बन चुका है, इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन आज की क्लोजिंग अगर 1210 पे देता है या कल भी अगर ये 1210 का लेवल क्रॉस करता है तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और बिल्कुल यहां से कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड करना चाहिए 1260 की, जो कि करीब 28-29 के रेट पर अभी ट्रेड कर रही है। इस कॉल ऑप्शन को ट्रेड करें और इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 22 रुपए के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट में मुझे लगता है 45-50 रुपीज तक के टारगेट इसमें बिल्कुल आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसमें जो ब्रेकआउट होने के बाद जो मूव आएगा काफी शार्प अपने आते हुए दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन एक्टिविटी हुई है ये दर्शाती है कि स्टॉक अब ब्रेकआउट के बिल्कुल तैयारी कर रहा है। तो ये ऑप्शन के टारगेट 45-50 रुपीज तक के आते हुए दिखेंगे, तो ये 22 रुपए के स्टॉप लॉस से एक ऑप्शन बाय कर लीजिए। जी हाँ, ब्रेकआउट्स को प्ले करिए ऑप्शंस के थ्रू। प्रकाश सर, आपकी कन्विक्शन कॉल, वो ट्रेड जो आप कैरी करना चाहेंगे कल के लिए? तो ये था श्रीराम ट्रांसपोर्ट, 1100 का टारगेट था वो अचीव हो चुका, अब मुझे लगता है कि मुझे टारगेट अभी चेंज करना पड़ेगा कॉल। अब मैं दे रहा हूं माइंड, अपूर्ण मेरे ख्याल से ऑन है और बढ़िया टारगेट होगा आपसे 1500, स्टॉक होगा 1450, माइंड 12 पर आती हुई दिख रही है। ये सेकंड टाइम है जब हम इस स्टॉक पर चर्चा कर रहे हैं, सुबह के सत्र में हमारे साथ कविता जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी एक शानदार लॉन्ग कॉल दी और उनका जो पहला लक्ष्य है वो आपको माइंड फ्री पर आता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, ट्रांसफॉर्मर स्पेस में आपने सुबह दो स्टॉक्स चुने थे और एक बहुत ही हैवी वेट आपको बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, ये है बोल टैंप ट्रांसफॉर्मर। मुझे लग रहा है कि कुछ मंदी वाले यहाँ पर फंसे हुए होंगे पक्का आप जी, तो वरना ये मैं इतनी जोर से हंसा इसलिए जैसे आपने बोल टैंप बोला जी, मतलब ये देखिए इस तरह का मूव नहीं देता आप, ये इस तरह के मूव के पीछे यही वजह हो सकती है। अच्छा, जब मैंने स्क्रीन पर पकड़ा आपने इधर, तो आप सोचिए मैं सुबह की 2020 की टीम जेन्युइनली भाग गया था बिल्कुल, तो मैंने पूछा कि भाई आपका ट्रांसफॉर्मर फेस था, बताइए क्या हुआ। अब आप देखिए हेमंत जी, यहाँ पर आपको ना 6 महीने का हाई जो है वो निकलता हुआ दिख रहा है और वो हाई था कुछ समय पहले 1250 रुपए का, सही है। वोल्ट टैंप पर ध्यान दीजिए, ये आपको ऐसा मूव दिखाएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मूव आपके सामने चार्ट पर आता हुआ दिखेगा। पिछली बार मयूरेश जी ने बताया था मुझे जी, बिल्कुल। तो मयूरेश जी से जरा बाद में जुड़ेंगे, जरा चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी बताइए, 6 महीने का ब्रेकआउट आपको वॉल्यूम पर आता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक जब चलता है तो देखते ही बनती है। बिल्कुल सही, और इस काउंटर का नेचर यही है, और ऑलरेडी इस काउंटर में जो मोमेंटम है पिछले 6 वीक से स्टार्ट हो चुका है, कल एक हल्का सा डिप आया था और आज जिस हिसाब से हायर लोज बना रहे हैं लग रहा है काउंटर में अच्छी तेजी होनी चाहिए। आप देखोगे इसमें लगभग 25 वीक पहले 1300 का हाई था वो अभी जो सरपास कर रहे हैं, वो निकलते ही यहाँ पे 10-12% की रैली बनेगी, तो मौजूदा स्तर पर ही काउंटर ले ले। दूसरा आप देखोगे यदि वीकली चार्ट पे
वो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट काफी पावरफुल होता है और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है 15-20% की रैली बननी चाहिए। कंक्लूजन में यही है, खरीदारी करें 1275-80 का स्टॉप लॉस, 1360 से लेकर 1400 तक के टारगेट मेरे हिसाब से कल ही देखने को मिल जाएंगे। के सामने 1311 और आपकी टीम को एक और शानदार परफॉर्मिंग स्टॉक फिलहाल स्क्रीन पर दिखता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर तो बिजली घुस चुकी है और जुड़ेंगे बिल्कुल मयूरेश जोशी जो आपको बताएंगे वोल्टम ट्रांसफार्मर्स पर ₹100 का आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल स्क्रीन पर। जबरदस्त स्टोरी है शैल जी, और लास्ट टाइम भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे आई थिंक वन ऑफ द बेटर प्ले स्टॉक्स है, हालांकि टिकट साइज बड़ी है बट ऑर्डर बुक ठीक ठाक है और ऑर्डर बुक्स बढ़ती जाती है जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस तुल पे आती है। पावर और पावर एंसिलरी प्लेज में इनकी ऑर्डर बुक इबिट मार्जिन पे जो काम करते हैं और जो हेल्थी बैलेंस शीट है कैश रिच, आई थिंक ये तीनों फैक्टर सपोर्ट करते हैं वोल्टम ट्रांसफॉर्मर्स को। तो देखिए बड़ी टिकट साइज का शेयर है लेकिन 8% की रैली वोल्टम में सेकंड हाफ में देखने को मिल रही है। मैं देख रहा था इंडोटेक भी बड़ा है क्या, इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स आज सेक्टर ऑफ द डे, देखिए यही बात हो रही थी डिफेंस और ये ट्रांसफार्मर सेक्टर रहेंगे और ये सब सेकंड हाफ में आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडोटेक देखिए 7.5% ऊपर ये शेयर भी कारोबार कर रहा है, ये मेरा ओपनर स्टॉक था आज का और चर्चा यही हो रही थी कि जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली कंपनियां हैं उनमें बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। तो देखिए 7.5% की अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल रही है और GTNDE अगर आप सोच रहे हैं वो 8-8% ऊपर है तो देखिए ये वो एक स्टॉक है जो इतना ऊपर नहीं है। GTNDE पर एक राय ली जाए, ये स्टॉक मूव क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है, 1.5% की तेजी के साथ इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बताइए इसके चार्ट्स देखकर मुझे जी कुछ नजर आ रहा है, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने वोल्टास बताया था और वोल्टास जैसे सेक्टर में ये सारी कंपनियां हैं, क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है? बिल्कुल, देखिए इस काउंटर में तेजी बनेगी, इसका अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और वीक ऑन वीक बेसिस पर वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आ रही है, स्टैटिकली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पहला टारगेट यहां से बनेगा 135 का, 135 के बाद GTNDE में करीब 142 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, यहां पर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 117 का। देखिए सारे ट्रांसफार्मर शेयरों में बिजली का करंट शैल जी ने डाल दिया है, वोल्टम से इन्होंने बात करनी शुरू करी, GTNDE पर नजर गई और देखिए ये सारा का सारा स्पेस एक्टिव है, ये चीन से तनातनी वाला का फायदा देखिए स्पेस को मिलेगा। ये हम लोग सुबह सुबह चर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि रावत साहब का वो बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल तैयार हैं सीमाओं पर और कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा गोली बारूद रखा जाए। तो चाइना से जब जब तनाव होता है तो दो स्पेस ही चलते हैं, एक तो हम जानते ही हैं सब लोग डिफेंस वाला स्पेस और दूसरा ये कैपिटल गुड्स ट्रांसमिशन वाला स्पेस, और ये भी देखिए बढ़िया मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है सारे के सारे स्टॉक्स स्पेस के भागते हुए। हिमंत जी आज भारत का दिन है, एक स्टॉक आपका पसंदीदा बताऊं? बताइए बिल्कुल बताइए। भारत फोर्ज पर नजर डलवाइए चंदन टपड़िया से, 558 का हाई, पाली जी ने अभी बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार चंदन जी से राय ले लें क्योंकि उन्होंने अक्सर इस पर बहुत लंबा कॉल दिया। चंदन जी बताइए क्या कीजिएगा? जी सर जी, मेरे हिसाब से आपने परफेक्ट मोमेंटम वाले काउंटर को सिलेक्ट किया और ये मेरा बीटीएसटी ट्रेड भी है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि बीटीएसटी में भारत फोर्स दू। आप देखोगे यहाँ पे 5-6 दिन का अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल के बाद में वीकली चार्ट में नेरो रेंज ब्रेकआउट देखने को बनेगा और इस काउंटर में वॉलिटिलिटी कम हुई है और जब ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा। दो वीक पहले देखे तो 500 से लेकर 560 का मूवमेंट हुआ, उसके बाद में सपोर्ट 535 शिफ्ट होके लगभग 540 के आसपास के सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये सारे तथ्य ये कि काउंटर में 5-6% की रैली इमीडिएट बेसिस पे करनी चाहिए। तो बीटीएसटी प्लस दो दिन का पोजिशनल ट्रेड का काउंटर एक परफेक्ट वे से बन रहा है, छोटा सा 0.25% का स्टॉप लॉस रहेगा, 551 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज ले ऊपर में 576 तक के टारगेट मेरे हिसाब से कल सुबह तक देखने को मिल जाएंगे। अक्षर का दिन है, भारत फोर्ज देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है, माफी चाहेंगे चंदन जी आप उस समय नहीं आ पाए, लेकिन देखिए ये भारत फोर्ज में पालिया जी ने भी देखिए टारगेट दिया था। पालिया जी आपका पहला टारगेट हिट हुआ है, दूसरा और तीसरा टारगेट के बारे में बताएं क्योंकि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भारत फोर्ज से की थी आज अपनी ओपनिंग।
हाँ बिल्कुल, तो हेमंत जी बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके जो टारगेट आना चाहिए कल तक आना चाहिए करीब 570 के आसपास के, तो जिनकी भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड रखे इसको बीटीएससी ट्रेड को, और मुझे लगता है कि अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके हायर साइड पे लिया 554 के आसपास स्टॉप लॉस लिया है, और कल तक के मॉर्निंग के टारगेट मुझे लगता है 570। इवन जो सेटअप है इसका वो पोजिशनली बेसिस पे जो एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में होगा, तो उसके बाद जो टारगेट बनेंगे वो 590 तक भी आते हुए दिखेंगे, तो कल के लिए बीटीएससी प्योरली टारगेट है 570 तक। इतने मामला चल रहा है, देखिए कभी पालिया जी कभी चंदन जी दोनों ही भारत के ऊपर बुलिश, और भारत का स्टॉक देखिए इस समय भारत फोर्थ दिन के हाईएस्ट लेवल पर, और इसको भी आप डिफेंस सेक्टर के साथ जोड़कर देख सकते हैं, और आज चर्चा यही हुई थी वीरू डिफेंस सेक्टर पर ही फोकस सबका रहेगा और डिफेंस स्टॉक्स ही भागते हुए आपको नजर आएंगे। जी डिफेंस ही होता नजर आएगा। मीन वाइल एक और चीज देखिए, भारत फौज डे हाई पर है, वो जो हमने मन्नापुरम फाइनेंस की कॉल ली थी वो अब 28 की 33 हो गई है, तो सारे ऑप्शंस में काफी अच्छा खासा इंपैक्ट मिल रहा है। आज बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी ट्विंस, एमएनएम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, हैवेल्स, हर सेक्टर का एक दिग्गज आके पार्टिसिपेट करके, लेकिन हैवेल्स का काफी अच्छा खासा मूव रहा, लेकिन इंडेक्स को संभालने का काम हेमंत आज एचडीएफसी ट्विंस और बजाज ट्विंस का रहा, इसमें कोई राय नहीं रही, और डिफेंस जो आज की हमारी थीम थी वो भी आज सुपर डुपर हिट रही। हेमंत हेमंत के पास इस क्लोजिंग को समझने के बिल्कुल बहुत बढ़िया दिन था, लो से रिकवरी देखने को मिली, शुरुआत ढीली हुई लेकिन बाजार देखिए आपको रिकवर करते हुए नजर आए, तो आज के दिन को अगर आपको एक नाम देना है मेरे लिहाज से कंसोलिडेशन का नाम होना चाहिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए पिछले दिनों में केवल दो ही दिन मंदी हुई है इस महीने में, एक हुई थी पिछले हफ्ते थर्सडे को और एक शुरुआत में आज थोड़ी बहुत मंदी, मैं कह रहा हूं लाल निशान में कम से कम हमने कारोबार किया है, तो गिर नहीं रहा है बाजार। आज के दिन को कंसोलिडेशन का नाम देना सही होगा, ऑल टाइम हाईस के आसपास कंसोलिडेशन हमेशा बाजार की सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आज का दिन कंसोलिडेशन के नाम रहा, आगे बढ़ने के लिए ये इसकी काफी जरूरत होती है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी ने भी आज खुलने के बाद खराब प्रदर्शन दिखाया था, मात्र 70 अंक 60 अंक नीचे ही जाकर बंद हो रहा है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स ने दरअसल आज निफ्टी को खींचने का काम किया, और सेंसेक्स भी देखिए भागता हुआ नजर आया, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व में एक अच्छी रैली देखने को मिली, और लगता यही है कि आज जो एफआईआईएस का मन इन चार स्टॉक्स पर आया हुआ था, और एफआईआईएस के की खरीदारी का फिर फिगर शाम को हम लोग जरूर ट्वीट करेंगे देखिएगा। लेकिन मिडकैप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, देखिए ये भी बंद होता हुआ नजर आया है आज, और दिखाइए पूरा का पूरा पॉकेट जहां पर आज हमने शुरुआत जब की थी शैल जी, ये दो लकीरें थी हरे निशान में, और हम कह रहे थे कि ये धीरे धीरे करके देखिए ये लकीर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए हुआ क्या है, ये पूरी लाइन चली गई ग्रीन में, और ये चौथी लाइन भी देखिए ग्रीन में आती हुई आपको नजर आ रही है, तो 1 2 3 4 और पांचवी लाइन में हमने शुरुआत करी है, बाजार थोड़ा घंटे भर और चलता तो आप देख लेते आधी बाजी तो देखिए बुल्स ने मार ली है, सुबह तक यहां तक थे देखिए बेयर्स, और ये देखिए उन्होंने अपना मैदान छोड़ दिया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि गिरावट में खरीदारी करना शायद बढ़िया विकल्प होता है। बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व ये आज से नहीं, आपको लॉकडाउन की शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं एसआईपी करिए, रचना जी ने आपको कल ये कॉल दी थी बजाज फाइनेंस में तेजी करिए इंट्राडे के लिहाज से, और बल्कि परसों से देखिए ट्रेड उनकी तरफ से आ रहा है, और सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड उनकी तरफ से यही था, वो कह रही थी 5000 तो आराम से क्रॉस कर जाएगा, ऑल टाइम हाई पर देखिए बजाज फाइनेंस आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, फिनसर्व में भी तेजी हुई है। आइशर मोटर इसकी बात भी देखिए आज सुबह सुबह हुई थी कि ये शेयर भी आपको पैसा बना कर देगा आज के सत्र में, ऐसा ही होता हुआ नजर आया है। बुल्स देखिए मजबूत स्टॉक्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक और अच्छा साइन है। अल्ट्राटेक देखिए सब सेक्टर्स के लीडर्स भाग रहे हैं, अल्ट्राटेक है सीमेंट का लीडर, आइशर आप कह सकते हैं बाइक्स में बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ स्टॉक, एचसीएल टेक देखिए आईटी में बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, टेक महिंद्रा में तेजी देखने को मिल रही है, पीएसयू में एनटीपीसी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है, अच्छी तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल रही है, टाटा स्टील में देखने को मिल रही है, तो ये जो तेजी वाले जो स्टॉक्स हैं आज इसमें देखिए हर सेक्टर का लीडर है, इवन मारुति देखिए पैसेंजर व्हीकल का लीडर, तो लीडर्स में तेजी होती हुई नजर आ रही है, इसलिए देखिए बहुत
फुल मत रहिएगा कि बड़ा करेक्शन आएगा भारतीय बाजारों में, ये चार्ट आपको बता रहे हैं। और ढीले कौन से हैं? एक्चुअल नेस्ले जैसे स्टॉक्स थोड़े से आईटीसी ढीले पड़ते हुए आज आपको नजर आ रहे हैं, यानी जो डिफेंसिव सेक्टर है सुबह ये हरे निशान में थे और बाजार बंद होते होते ये लाल निशान में आ गए, यानी डिफेंसिव को लोग खरीदना नहीं चाह रहे। आप देखिए आज सुबह सुबह सन फार्मा सिप्ला की सब बात कर रहे थे, लेकिन जाते जाते हुआ क्या है, बाजार जो है वापस से हाई बीटा को पसंद कर रहा है, डिफेंसिव को नकार रहा है। तो डिफेंसिव खुलते तो ऊपर है, लेकिन देखिए फार्मा शेयर आज भी लगाड रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। वर्डिक्ट आपके सामने है वीरू, बाजार को हाई बीटा शेयर पसंद है, ये बाजार आपको कह रहा है फ्लैट ही सही, लेकिन हरे निशान में जाकर बंद होना आज बुल्स की उपलब्धि माना जाएगा। जी हाँ, उपलब्धि माना जाएगा। और आई थिंक एफआईएस का आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक, और स्पेशली इंडेक्स की फिगर उनकी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और याद रखिए कल है बुधवार, तो एक पेनल्टिमेट सेशन जो होता है उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। कुछ स्टॉक्स जो कि काफी स्ट्रांग ओआई कल के लिए कैरी करके गए हैं अपने साथ, याद रखिएगा अगर आप स्टॉक्स पे काम करते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आपकी होती है तो दो तीन स्टॉक्स को देखिएगा। जीएमआर इंफ्रा एक बहुत स्ट्रांग ओआई अपने साथ कैरी करके ले गया है कल के लिए। दूसरे पायदान पे एनटीपीसी, ये अपने साथ करीब 13% का ओआई कैरी करके ले गया है कल के लिए। एनबीएफसी का दिन रहा और उसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टॉप ओआई गेनर, उसके बाद बजाज फिनसर्व सेकंड, एनबीएफसी वो जो स्टॉक जो कि अपने साथ काफी स्ट्रांग ओआई लेके गया। और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में हैवेल्स आज का स्टार और स्टॉक ऑफ द डे था, और ये डे हाई की टेरिटरी बंद हुआ, पांचवा टॉप ओआई गेनर इसमें। उसके बाद अगेन बजाज फाइनेंस ये छठा, और साथ ही साथ अगर आप देखें चोला फाइनेंस जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हमने ऑप्शन फेड में किया था, ये और अच्छा ओआई। तो एनबीएफसी और कुछ अगर आप देखें सरकारी कंपनियां कल के लिए बहुत स्ट्रांग ओआई अपने साथ लेके गई हैं। शैल जी चलिए, ये आपने बहुत शानदार मूवमेंट देखा हेमंत जी, चाहे छोटा एफएनओ का स्टॉक हो या बहुत जबरदस्त क्वालिटी की बात आपने बाजार में आती हुई देखी। हेमंत जी थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि फिलहाल अगर आप रुझान देखें बाजार में तो वो सिर्फ क्वालिटी और क्वालिटी पर है, और आप देखिए कि क्या शानदार मूवमेंट आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर आता हुआ देखा। हेमंत जी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको एनएससी 500 के लिस्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हुए दिखेंगे, इन पर मैं जरा रुझान डालना चाहता हूं। वेल कॉर्प को हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, ये मयूरेश जी की पहली कॉल थी, 5.5% पर 137 रुपए के आसपास आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा। राइट्स में आज आपने 5% की तेजी देखी है, 272 रुपए पर ये आपको सरकारी कंपनी रेलवे स्पेस की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। फर्टिलाइजर स्पेस में एनएफएल लगभग 4.5% ऊपर 39.45 रुपए के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। और अन्य कई ऐसे काउंटर्स हैं फर्टिलाइजर स्पेस में जो आपको अच्छे हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। एनएससी 100 की तरफ नजर डालें तो यहां पर आपको टॉप गेनर्स में निफ्टी के अलावा दिखेगा बहुत जबरदस्त तरीके से टोरेंट फार्मा, इस पर एक बाय कॉल आपको सतपुते साहब से सुबह मिली थी, और सारा का सारा सीमेंट स्पेस। अल्ट्राटेक देखिए लगभग 2.25% ऊपर 51.56 पर, और खासकर आपको टाटा स्टील और मेटल स्पेस में बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। हेमंत जी बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया देखिए, एक डी और जीत आज अपने नाम कर ली है। इस नोट पर अपने विशेषज्ञों से विदा लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकालने के लिए, आज चर्चा में शामिल होने के लिए, बढ़िया बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए, थैंक्स अ लॉट आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आइए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो आज मुकाबला हुआ था आशीष और मेरे बीच, उसमें कौन से स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, और उसके बाद फिर कमोडिटी बाजार का हाल की तरफ आपको ले चलेंगे। 7:30 बजे मुकाबला हुआ था और देखिए बेहतरीन आइडियाज दोनों टीम्स ने आपको कमा कर दिए थे, 3.75% के रिटर्न्स मेरी टीम ने और आशीष की टीम ने भी करीब करीब 3.5% के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं आपको। और ये रहे स्टॉक्स जिन्होंने आज सेकंड हाफ में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, वोल्टैम्प, इंडोटेक, ट्रांसफॉर्मर्स, जीटीएनडी देखिए सेकंड हाफ में बात कर रहे थे हम लोग इसकी थोड़ी देर पहले, भागते हुए नजर आए। जेन टेक्नोलॉजीज मेरा आज का फेवरेट शेयर था, 5.5% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिए आज। डिफेंस सेक्टर के ऊपर और ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के ऊपर फोकस था और ये दोनों ही टीम्स ठीक साबित रही हैं। आशीष की टीम के सुपरहिट स्टॉक्स भी दिखा दीजिए प्लीज। प्रीमियर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन दिखा रहा था, 10% का अपर सर्किट लगा। एस चांद सेकंड हाफ में देखिए 10% का अपर सर्किट लगा, बढ़िया स्टॉक इन्होंने पकड़ा था, इसको इन्होंने फ्री हिट का दर्जा भी दिया था। एमबीएल इंफ्रा जैसे स्टॉक्स और वालचंद नगर में भी तेजी देखने को मिली है आज के सत्र में। चलिए हम सबको दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, ब्रेक के उस पार पेश करेंगे कमोडिटी बाजार का पूरा हाल, कल सुबह सुबह फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।